Okay, so hello and welcome to Delhi Bytes. Today we'll talk about IPU B.Ed preparation strategy. But before coming to that, दो चार कुछ बेसिक और बड़े पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ. पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर आएंगे. क्योंकि एक तो प्रिपरेशन से पहले एक एटीट्यूड प्रिपरेशन को लेकर बहुत सही होना चाहिए. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स उस डिफरेंस वाला जो एटीट्यूड में बार बार जो बात कर रहा हूँ उसको समझ नहीं रहे हैं या फिर उसको सही से फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, विच इज नॉट गुड. ठीक है, वो आपके इंटरेस्ट में नहीं है. सबसे पहला चीज, तो जब मैं किसी को बोलता हूँ कि प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए या ये करो, देखो आई एम नॉट सेइंग इट टू कि यू विल सी द वीडियो और समथिंग फॉर व्यूज और एनीथिंग विच यूजुअल पीपल डू. नो, उसमें डिटेल में बहुत सभी बातों को मैंने बहुत विस्तृत ढंग से समझा रखा. आप देख लेंगे तो 99% आपके डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे. दिस इज, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप हर चीज जाके किसी से पूछ रहे हो. पहले खुद से अपने साइड से आप चेक करिए, सो दैट बेसिक्स तो आपको क्लियर हो, ताकि आप बड़े बड़े सवालों के साथ आओ. अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करने जा रहे हो. अब तक हम एकेडमिक में देते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्वेल्थ में क्या हुआ होगा, या तो मेरिट के बेसिस पे आपने एडमिशन लिया होगा. बहुत लिमिटेड लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने किसी ना तो किसी एंट्रेंस एग्जाम के से थ्रू जो है ग्रेजुएशन में आई मीन एडमिशन लिया होगा. तो यहाँ पर एक बहुत बेसिक डिफरेंस एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमको पहले ये समझना होगा तैयारी से पहले कि भाई एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी यूनिवर्सिटी के अच्छे संस्था या अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का टारगेट ही होता है कि मैक्सिमम बच्चों को बाहर करना है, फेल करना है. जब एकेडमिक एग्जाम होता है, जब हम सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, तो एज अ टीचर हमारा टारगेट क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को पास करना, क्योंकि हमको अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है. जैसे मान लो मैं किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा, मेरे जितने एमए के बच्चे हैं या मान लो मेरे 11th 12th का मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा सभी बच्चे पास हो जाएं, वो 40% लेकर ही क्यों ना पास हों. तो पॉइंट यहां पर यही है कि वहां पर पास कराने का उन्हें लक्ष्य है. कॉम्पिटिटिव में आपको एक तरह से बाहर करने का लक्ष्य होता है जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं. इसीलिए उसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से घुमा के पूछा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा मिस कर जाओ तो आप आंसर्स को मिस्टेक कर दोगे और एक एक क्वेश्चन आपको फाइनल टाइम में काउंसलिंग और कॉलेज को लेकर कॉस्ट कर सकता है. तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझो कि क्यों हमें प्रिपेयर करना है. सबसे पहला चीज तो ये है क्यों हमें प्रिपेयर करना है. और एक्सक्यूजेस, सबसे पहली चीज तो प्रिपरेशन से पहले आप लोग एक्सक्यूजेस से बचो. मैं तो यहां तक कहता हूं कि आईपीयू बीएड का आपको प्रिपरेशन करना है तो 7 से 10 दिन भी अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर देते हो तो आप मेरिट लिस्ट में ढंग के कॉलेज में पहुंच जाओगे और आप जो रैंक का सिस्टम है जो एक एग्जिस्टिंग हो सकता था उसको आप बदल दोगे 7 से 10 दिन के मेहनत से. लेकिन उस मेहनत में आपको क्या करना होगा, दिन सबके पास उतना ही है जितना मेरे पास है, 24 घंटे आपके पास है, लेकिन शाम को आप 24 घंटे आपके कब कट जाते हैं पता नहीं चलता है. भाई 10 दिन अगर अपना मोबाइल छोड़ दोगे आप ना, चीजें आप देख लो, टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली, आपने मान लो या तो आप मॉक टेस्ट डेली वाइट्स पर लिए हो, आपने डेली वाइट्स पर नहीं ले रखा है, मान लो आपने पेड मेंबरशिप नहीं ले रखा है, जस्ट लीव दैट थिंग असाइड. कुछ तो व्यवस्था होगा ना आईपीयू का चीजों को पढ़ने या प्रिपेयर करने के लिए. आप उन बुक्स को, उन नोट्स को, उन कॉपीज को असेंबल करिए, तैयार करिए. डोंट कम ब्लाइंडली और टोटली एकदम ब्लैंक तरीके से आ जाओ कि सर कौन से बुक से हम पढ़े हैं. जैसे मैंने कहा कि ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर कैंडिडेट का पोटेंशियल अलग होता है. ठीक है, सोनाली, धृति, नेहा, इन सब लोगों के पोटेंशियल्स इंडिविजुअली अलग हैं. ठीक है, तो कहने का सेंस है कि उसी आईक्यू के पेपर में हो सकता है किसी का रीजनिंग स्ट्रांग हो, सकता है किसी का जीएस स्ट्रांग हो. तो आप जो मटेरियल्स कलेक्ट करते हो, जब आप बुक उठाओगे और आप शिद्दत से अपनी किताब को देखोगे, आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हमको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मटेरियल्स को इकट्ठा करके प्रिपेयर करना होगा. तो हमें सबसे पहली चीज तो एक्सक्यूजेस से बचना होगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो, बहुत ऐसे लोग हैं जो स्मोक कर रहे हैं, अरे यार बहुत टेंशन है भाई, पहले तो मेरे को स्मोक करना है, तो वो क्या है, एक एक्सक्यूज दे रहे हो अपने आप को कुछ, अरे यार मेरे फैमिली में तो कुछ ये इशू चल रहा है भाई, मैं तो 2 दिन पढ़ाई नहीं कर सकता, भाई मेरा कुछ दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, मेरी बंदी उसके साथ घूमते हुए दिख रही थी, मैं अब तो 4 दिन मैं पढ़ नहीं पाऊंगा. फिर ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सर मेरे पेरेंट्स पे बहुत पैसा नहीं है, बड़े वाले एक्सक्यूज है जिससे लाइफ टाइम प्रभाव आया, पूरे लाइफ आपका इम्पैक्ट होने लगे, यार मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं, यार मेरे फैमिली में तो इतना जुगाड़ नहीं है. कहने के सेंस है कि हम मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं अपने आप को 24 घंटे में काम करने से बचने के लिए. नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्क, नॉट डूइंग वर्क विद अ गुड एक्सक्यूज जस्टिफाइड. ठीक है, ये बड़ा होता है लोगों में. ठीक है, कि अगर किसी काम को नहीं करना है, बहुत बढ़िया वाला सॉलिड एक्सक्यूज मिल जाए. ठीक है, सॉलिड वाला एक्सक्यूज मिल जाए तो हमको लगता है कि अच्छा ठीक है, वो तो इक्वलेंट टू डूइंग द वर्क ही हो गया. ठीक है, तो पहली चीज तो ये रवैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बदलना होगा.
अगर दिन में 10 घंटे मोबाइल यूज करते हैं तो 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, बुक पढ़ने के बाद बुक बंद करते हैं, लैपटॉप यूज करने के बाद लैपटॉप बंद करते हैं, मोबाइल 6 घंटे यूज करना है कर लो, मॉक पेपर्स आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट करा लो, आपने डेली वाइट से पेड मेंबरशिप ले रखी है वहां से मॉक ले लो, नहीं ले रखी है कुछ बुक नोट्स कुछ भी तो होगा आपके पास वहां से चीजों को अपने पास ले लो, आप प्रिपेयर करो वहां से, और 6 से 8 से 10 घंटे समय दीजिए, 8 से 10 दिन भी, ठीक है, लास्ट वीक में भी आप करेंगे ना, आप अपना परफॉर्मेंस बूस्ट करके चीजों को बदल सकते हैं। इसीलिए जब डेली वाइट्स का मॉक टेस्ट का हम एडवर्ट करते हैं तो वहां लिखा था कि बूस्ट योर परफॉर्मेंस, नॉट, क्योंकि चेंज तो आप ही को करना है, हमारी मदद से आप बस चीजों को थोड़ा सा बूस्टअप कर लोगे, ठीक है, आपने मॉक वॉक ले लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, आपने क्या कहते हैं और सारी चीजों पर जो कौन से आपके वीक एरियाज हैं कौन से आपके स्ट्रांग एरियाज हैं उस पर आपने अटेंशन दे लिया, तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूर्ण रूप से सक्षम हो बदलाव करने के लिए, अपने आप को मेरिट लिस्ट में लाने के लिए। और सेम चीज डीयू के साथ भी जाता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं आईपीयू के मेरे पास आते हैं कह रहे हैं कि वो सर तो डीयू वाले में तो होगा ही नहीं, भाई एंट्रेंस एग्जाम से पहले तुमने कैसे जान लिया कि नहीं होगा, ऐसे तो फिर आईपीयू में भी नहीं होगा, ठीक है, आईपीयू में तो 24 कॉलेज हैं, 2400 सीटें हैं, तो कोई ना तो कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, जिस दिन फॉर्म भरोगे उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग वाउंसलिंग शुरू होगा तो बहुत से कॉलेज वाले आपको फोन करने लगेंगे और बताने लगेंगे मेरे कॉलेज का ये रैंक है, ये मेरिट लिस्ट है, ये फलाना है, ये ऐसे वैसे है, वो आपको बताने लगेंगे, तो आपको बहुत ल्यूक्रेटिव सा ऑफर भी लगेगा, क्यों, क्योंकि कहीं एडमिशन नहीं होता रहेगा तो अगला आदमी जैसे ही बोलेगा आपको ऑफर देगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। जैसे कि अभी शुरुआत में मेरे से किसी ने पूछा कि सर हम किसी ऐसे कॉलेज से कर लेते हैं या फिर कहीं वो से कर लेते तो डिग्री की वैल्यू तो सेम रहेगी, हाँ इट इज लाइक हैविंग फूड, ठीक है, खाना खाने जैसा है, आपके ये आपकी चॉइस है आप कहाँ पर करना चाहते हो, ठीक है, आप एक अच्छे घर में करना चाहते हो, चांदी के चम्मच से करना चाहते हो, प्लास्टिक के चम्मच से करना चाहते हो, नाली पे किनारे सड़क पर ढाबा है वहां खाना चाहते हो, 5 स्टार में खाना चाहते हो, कॉलेजेस का भी वैसा ही है, पेट हर केस में भरेगा, ठीक है, तभी दुनिया चल रही है भाई, ये चीजें, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत जल्दी आप लोगों को ये सारी चीजें दिखने लगेंगी। अब एक प्रॉब्लम और जो आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, आप सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीयू का ही फॉर्म भरे होंगे, हो सकता है आप लोगों ने डीयू का या किसी और अच्छे संस्था का जैसे बीएचयू का फॉर्म अभी निकला हो सकता है, बहुत लोगों ने उसको भरा होगा, डीयू का भरा होगा, जामिया का भरा होगा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी का भरा होगा, अगर इन तमाम फॉर्म्स को आपने भर रखा है तो कहीं आपके माइंड में ये बात आता है कि अच्छा इसमें नहीं होगा तो उसमें, उसमें नहीं होगा इसमें, देखिए एक प्रॉब्लम समझिए क्या है ना, जब आईपीयू का काउंसलिंग शुरू होगा ना तो डीयू बीएड का आंसर किया आएगा, तो आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा सा लापरवाही और मेहनत नहीं करेंगे तो वहां पर ना डीयू वाले में बॉर्डर पर हो जाएंगे, तो होगा क्या कि पता चलेगा आपका नाम आ रहा है छठे कट ऑफ में, आप उधर जब तक छठे कट ऑफ में इन करोगे तब तक आईपीयू वाले ये कहेंगे अगर तुमने फीस नहीं दिया तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे, अब आईपीयू में सीट कंफर्म करने के लिए आपको 45,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी एक तरह का इकोनॉमिक लॉस आपको आ रहा है थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगाने से। तो मेरा मानना है कि 7 दिन 10 दिन बहुत होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, थोड़ा सा रैंक इंप्रूव करने के लिए, आई मीन प्रिपरेशन के लिए नहीं, थोड़ा सा आप रैंक अपना बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं अगर आप टॉप 100 में आ रहे होंगे या टॉप 120 में पहुंच रहे होंगे तो आप टॉप 80 में आ जाओगे उतना ही थोड़ा सा एफर्ट लगा देने से। अब किस किस तरह के एक्सक्यूजेज हैं, जैसे मान लीजिए अभी कुछ कोई इंस्टाग्राम मैसेज किया मेरे को कि सर आप लोग के मेंबरशिप में तो सिर्फ इंग्लिश वाला मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हमने कहा देखिए मॉक टेस्ट को क्रिटिसाइज मत करिए, ये कह के कि उसका लैंग्वेज इंग्लिश है, आपको प्रिपेयर नहीं करना है ये एक अलग मैटर है, क्योंकि थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओगे जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश का आ रहा है, आईपीयू में तो डायरेक्ट 15 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, तो अगर आपको इंग्लिश से इतना परहेज है, ठीक है, इतना आपको परहेज है इंग्लिश से, तो भाई आप एग्जाम से ऑलरेडी बाहर हो ना, 100 में 20 क्वेश्चन तो आपने पहले ही छोड़ दिया। और यही सेम चीज मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो इंग्लिश मीडियम के, और वो कह रहे हैं कि सर हमको हिंदी के पैसेज में दिक्कत हो रहा है, जैसे कि रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड वालों को जो मॉक टेस्ट 5 दिया गया उसमें जो मैंने हिंदी का कॉन्टेंट दे रखा है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर बहुत कठिन दे रखा है आपने, तो ठीक है वो मॉक टेस्ट 5 मैंने बनाया था, यूजली मॉक टेस्ट मैं नहीं बनाता हूँ, तो उसमें पैसेज था, तो आप कह रहे हो सर हमको हिंदी में दिक्कत हो रहा है, नहीं प्लीज यार ये लैंग्वेज के दिक्कत को आप लोग एक्सक्यूज के तौर पर मत यूज करिए, अगर ये दिक्कत है कि पैसेज कहाँ से पढ़े लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है तो कोई सा भी, या तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए, हिंदी का न्यूज़पेपर ले लीजिए, या मैगजीन ले लो, ठीक है हम ये कर सकते हैं, दूसरा चीज ये कर सकते हैं सेम हॉलीवुड की मूवी देख लीजिए, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, पहले आप हिंदी में देखो ताकि आपकी मूवी का कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, फिर आप इंग्लिश में देख लो,
हिंदी इंप्रूव करना है, थोड़ा रामायण महाभारत ये सारी चीजें आप देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये कि लैंग्वेज में पकड़ बनाइए, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में मैं बात करूं, सिर्फ यहां पर आईपीयू एंट्रेंस पे ही चीजें खत्म नहीं हो रही है, सब कुछ नहीं मिल रहा है। इसके बाद अभी आपको बहुत एग्जाम देना है, सीटेट है, ड्रिल प्लस भी है, केवीएस है। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब का जब टाइम आएगा तो आप अप्लाई नहीं करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब आप वहां जाओगे तो यही प्रॉब्लम फिर आपके आगे आएगी। और लैंग्वेज तो एक ऐसा चीज है कि सक्सेसिव समय के साथ ही इंप्रूव होता है, ठीक है, एक दिन में इंप्रूव नहीं होगा वो, तो उस पर थोड़ा सा आप लोगों को काम करना होगा, उसको लेकर थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए मानसिक रूप से कि हाँ हमें करना है। फिर अभी किसी ने मेरे को क्वेरी पूछा था कि शायद हम सर मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो आपके मॉक टेस्ट जो मिलता है डेली बाइट्स का, उसमें कहां तक मेरा कट ऑफ बन रहा है? देखिए, अगर डेली बाइट्स के मॉक टेस्ट में आपका 70+ मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आप आईपीयू के सेफ जोन में अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हैं। डेली बाइट्स की जीजीएस आईपीयू वाले प्लेलिस्ट में 4 वीडियो लेक्चर्स होंगे, 25-25 क्वेश्चन करके मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर उन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपके 80 से ऊपर मार्क्स बनते हैं, तो आप टॉप 20 रैंक के अंदर आ जाओगे, आईपीयू में टॉप 20 मतलब के अंदर आ जाओगे आप। और अगर आपके टॉप 75 क्वेश्चन से ऊपर आप सही करते हो, ठीक है, तो आप समझ लो कि आप आ जाओगे इजिली टॉप 100 में, 75 क्वेश्चन से ऊपर सही करते हो। ध्यान रखिएगा, मैं मार्क्स नहीं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बार बार, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है, तो मैं मार्क्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 75 क्वेश्चन सही करना है। और 75 क्वेश्चन सही करने का मतलब ये नहीं कि आपको ये लिवरेज मिल गया कि बाकी का 25 गलत कर दें, क्योंकि 1/4 निगेटिव भी है, ठीक है। 75 क्वेश्चन नेट जो है आपका सही बैठना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे ले लीजिए कि मान लो आपने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 92 में आपके 4 12 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 12 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो हो गया 3 मार्क्स आपके हो गए निगेटिव। अब 92 में 12 क्वेश्चन गलत थे, तो यानी कि टोटल आपके सही हुए 80 क्वेश्चन, तो 80 में से आप 3 घटा दो, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके निगेटिव भी हो गए, तो मतलब जो सही क्वेश्चन था उसमें से 3 घट गया, तो टोटल 77 क्वेश्चन आपके बचे। अच्छा, तो कहने का सेंस है कि निगेटिव मार्किंग है ये माइंड में लेके चलना है। जिस क्वेश्चन को लेकर 100% श्योर हो कि इसका एक भी ऑप्शन न कभी सुना है, न कभी देखा है, न कभी जाना है, कुछ नहीं जानते उस क्वेश्चन के बारे में, कोई ऐसा क्वेश्चन है, उसमें गैस वर्क नहीं करना है, क्योंकि वो निगेटिव में ही जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 निगेटिव मारोगे, वो निगेटिव आप 10 क्वेश्चन मारते हो इस तरह का ब्लैंक ब्लाइंड गैस, तो निगेटिव हो जाएगा। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि सर कैसे हम ब्लाइंड गैस लेने के भी तरीके होते हैं। जब तुमको ऑप्शन देख के ना कभी कभी तुमको फील आने लगता है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, मॉक टेस्ट देखा होगा, कुछ आप लोगों ने अब तक कुछ तो सॉल्व किया होगा, मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ, तो वहां पेपर देख के आपको लगता है यार ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, अच्छा इन 2 ऑप्शनों में से कोई एक हो सकता है, तो वहां पर कॉल लीजिए। क्योंकि देखिए निगेटिव जो है 1/4 है, तो 1/4 वाले निगेटिव में मैं थोड़ा सा कहता हूं कि आपका रिस्क फैक्टर ऊंचा हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग कॉल लीजिए, ठीक है। तो लेकिन कब, जब आपको 50% पता हो, तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा। जिस क्वेश्चन का एकदम सर पैर कुछ नहीं पता हो, उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश में मत निकलना। जैसे एग्जाम सेंटर से निकलोगे, पड़ोसी बोलेगा बगल में जो बैठा था, मैंने तो 95 अटेम्प्ट किया, 90 अटेम्प्ट किया, नहीं, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट होने से निगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। तो ये चीज समझिए कि जिस क्वेश्चन में एकदम श्योर शॉट है कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको छूना भी नहीं है, ठीक है, उसको छूना भी नहीं है। इट इज लाइक क्रिकेट खेलते हैं, गेंद बहुत ज्यादा बाउंड्री की बाहर जाती है, आई मीन लाइन से बाहर जाती है, तो बैट्समैन छूता है तो प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आउट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 4 रन जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि 4 नंबर आपने कहीं सही मार दिया, आपको मिल गए, लेकिन ये चीज समझना होगा कि भाई वो तुक्का होगा, ठीक है, ये बार बार नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लेकर ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस को टिक करने को लेकर, उन क्वेश्चंस में जहां 50-50% श्योर हैं उनको आप मार्क करेंगे। डेली बैट्स का आपने मॉक टेस्ट ले रखा है, आपको 70+ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं ठीक ठाक तरह से। प्रीवियस ईयर पेपर डेली बैट्स पर सॉल्व है, वो आप देखिए, वहां पर आपके बन रहे हैं 80 से ऊपर, तो आप जो है फ्लो में है। अच्छा, फिर लास्ट में आता है कि सर मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या करें, मान लो सर मैं नहीं ठीक से प्रिपेयर कर पा रहा हूँ या नई चीजों को कर पाया। देखिए, आईपीयू में एडमिशन तो हो ही जाएगा, लेकिन आईपीयू में जब कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि आपको हो सकता है ये लोग फोन करें, आप फॉर्म वॉर्म फिल किए ना, तो फोन करेंगे एडमिशन के लिए, ये लोग जब एडमिशन के लिए फोन करेंगे तो वो आपको बोलेंगे बताइए कौन से कॉलेज में चाहिए आपको, हम करा देंगे ये वो, तो आप टॉप 4-5 कॉलेजेस का नाम लिख लो कि आप इसमें करा दो, क्योंकि वो टॉप कॉलेजेस में नहीं करा सकते हैं, आपको एससीईआरटी में आपको रैंक से ही आना पड़ेगा, सूरजमल में आपको रैंक से ही आना पड़ेगा,
आपको लीलावती में रैंक से ही आना पड़ेगा, और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो है वहां पर आपको रैंक से ही आना पड़ेगा। तो इन कॉलेजेस में आपको रैंक से ही आना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रह के प्रिपरेशन करिए। फिर हम एक सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर क्या करें। देखिए आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपने कहीं से प्रैक्टिस किया होगा, या आपने डेली वेट्स की मॉक टेस्ट ले रखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं ले रखा है तो कहीं से तो आप पढ़ रहे होंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस या सीन दिए रहते हैं जो आपको लगता है कि नहीं मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बट आंसर में कुछ और दिया रहता है। देखिए इस केस में क्या करना होता है ना, इस केस में सिंपल सा तरीका ये होता है, अगर 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से आ रहा है तो गिनती के 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जहां पर डिस्प्यूट होगा, गिनती के 2 से 3। उसमें माथा मारने के बजाय अच्छा है कि ब्राइटर साइड पर फोकस करिए, जो बाकी के 18-19 क्वेश्चन है उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। इंस्टेड की सर वो एक जो क्वेश्चन है मेरे माइंड बार बार डाउट हो रहा था कि नहीं नहीं उस सिचुएशन में तो ये भी हो सकता है, देखिए 18 क्वेश्चन 20 में से ऐसे रहेंगे जिसका आंसर सिंपल सिंपल हमको देख के समझ में आता है कि भाई इस सिचुएशन में हम ये नहीं करने वाले हैं और इस सिचुएशन में हम ये करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल से फंडे हैं। तो वहां आपको देख के सीधा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा भाई ये टीचिंग एप्टीट्यूड है और इस परिस्थिति में हम ये करेंगे। वहां पर भी होता क्या है ना, हर कैंडिडेट के एक माइंड का सेटअप होता है, उस एप्टीट्यूड का मतलब यही है कि वो उसी लेवल को चेक करते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके। ऐसा नहीं है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड तुरंत इंप्रूव कर दोगे, वो एक तरह का सिचुएशन है। अब सिचुएशन कैसे है, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दूं, थोड़ा सा एब्सर्ड एग्जाम्पल है, हो सकता है वो कैंडिडेट हो सकता है कि वो हो सकता है इस मीटिंग में भी हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल लूंगा। कल मेरे को किसी ने मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि सर मेरे फादर का जो है रिटायर्ड है तो डीयू बीएड में पूछ रहा है कि फादर्स का इनकम कितना है तो हम क्या भरें। 24 घंटे पहले उसने मैसेज किया, मैंने लिखा कि प्लीज यूज योर कॉमन सेंस और फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर का वीडियो है आप वहां देख लो। 24 घंटे 48 घंटे बाद सभी प्लेटफॉर्म से उसे मैसेज कर रखा था कि सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या भरूँ क्या भरूँ। सोचिए आप इतना छोटा सा कॉल नहीं ले पा रहे हो कि मेरे फादर अगर रिटायर्ड प्रोफेशन में तो पेंशन पे है तो मुझे फादर का इनकम क्या भरना है। इस बात को लेकर लिटरली आप इतना अपना माइंड खर्च करोगे कि फादर का इनकम कैसे भरना है। भाई हमारे माइंड के लिए डीयू बीएड का एग्जाम है, आईपीयू है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आपका एडमिशन इस बात पर नहीं रुक सकता है कि फॉर्म में मेरे से पूछ रहा है आर यू वैक्सीनेटेड, आर यू सेल्फ अटेस्ट किया है कि नहीं, आर यू फादर का इनकम कितना है। मेरे फादर का इनकम कुछ भी हो, मेरा एंट्रेंस लिस्ट में अगर रैंक आ रहा है ना, मेरे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं कॉलेज के अंदर हूँ, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम सुलझ जाएंगे। तो देखिए ये एक सिंपल से तरीका होता है चीजों को सॉर्ट आउट करने का, फिगर आउट करने का। तो ये एक मेरा माइंड है देखने का तरीका, हो सकता है आप पैनिक मोड में आ जाओ, तो वही टीचिंग एप्टीट्यूड वहीं पर है। वहां लिखा रहेगा एक परिस्थिति में एक बच्चा कुछ है, वो आपको लगता है कि क्लास में बहुत शांति से बैठा रहता है, तो आपको क्या लगता है क्यों शांति से बैठा रहता है, उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो वैसे ही एक्टिव है, आपको लगता है कि वो मेंटली फिट नहीं है, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस दिए रहते हैं। तब होता क्या है, वहां पर हम अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से सोचते हैं, अच्छा बच्चा शांत रहता है, हो सकता है मेंटली फिट नहीं रहता होगा, हो सकता है इंट्रोवर्ट रहता होगा, हो सकता है उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाती होगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आईपीयू का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है बहुत ही बेसिक पूछता है, तो 20 में से गिनती के 1-2 क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल होते हैं, बाकी का 18 आप श्योर शॉट हिट कर दोगे। अच्छा इसको लेकर अगर आप ऑनलाइन पढ़ने जाते हो टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, तो वहां पर एक चीज आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ऑनलाइन जो लोग भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है। ये लोग बेसिकली ऑनलाइन तैयारी कराते हैं उस बेसिस पर, उसका लेवल है थोड़ा ऊपर और आईपीयू के टीचिंग एप्टीट्यूड का है लेवल थोड़ा नीचे, ठीक है। तो पढ़ते समय ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत हायर लेवल पर हमें जाके वो नहीं करना है चीजों को, हमको वो नहीं करना। जैसे मेरे हिस्ट्री के बहुत सारे नेट जेआरएफ के स्टूडेंट है, तो मैं खुद हूँ नेट जेआरएफ, मेरे को पता है कि उस वाले टीचिंग एप्टीट्यूड में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, तो वो थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना है। तो इन सब तमाम बातों को आप ध्यान रखिए, और एक लास्ट टॉपिक पे मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा आप लोगों की क्वेरीज पर। देखिए एज फार एज आईपीयू का कंसर्न है कि लास्ट मोमेंट में कैसे हम चीजों को करें, तो देखिए 40 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। मेरा पर्सनल मानना है अगर आप रीजनिंग पर 3 से 4 घंटे अगले 7 से 10 दिन दे देते हैं, तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन बता रहा हूं एक एवरेज स्टूडेंट, और एक एवरेज से जो बिलो स्टूडेंट है
वो लड़का या वो कैंडिडेट अगर 3 से 4 घंटे में, मान के चलो देखिए एग्जाम आ गया तो ज्यादा पढ़ना होगा, इसमें तो कोई एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए, एग्जाम के बाद आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 3 से 4 घंटे रीजनिंग पर दे देते हैं, बिलीव मी 40 में 35 क्वेश्चन मिनिमम सही करोगे, क्योंकि आईपीयू में मैथ्स नहीं आता है बहुत ज्यादा, रीजनिंग आता है, बहुत बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा रहना होगा कि अगर मेरे को लास्ट मोमेंट पे एकदम चीजों को मेक थ्रू करना है और आपका रीजनिंग पे बहुत अच्छा पकड़ नहीं है, तो आप सबसे पहले रीजनिंग को प्रैक्टिस करिए, अगर रीजनिंग पे पकड़ नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज तो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह को करना ही है, तो रीजनिंग को मैं बहुत स्कोरिंग देखता हूँ, और 3 से 4 घंटे आप 7 से 10 दिन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इजिली मेक थ्रू कर लोगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज मैं और बताऊंगा, एग्जाम में किस बात का ध्यान रखना है, देखो एग्जाम में ना होता क्या है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो कंप्यूटर वाले टेस्ट में ना आपको एक एक शीट देंगे ये लोग, ठीक है, एक रफ शीट दे देंगे ऐसा सा आपको, उस रफ शीट की और एक पेन दे देंगे आपको ये, तो आप क्या करना, जैसे ही एग्जाम शुरू होगा ना, एग्जाम शुरू होगा तो आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, बहुत सफिशियंट टाइम है, तुरंत पेपर पर क्या करिएगा, ABCD लिख लीजिएगा, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMN, देखो उसको इस सीक्वेंस में लिखना, ABCDEFGHIJKLMN, N पर रोकिएगा क्योंकि 13 पर आगे रुकता है, ठीक है, फिर सॉरी MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, A से M तक, फिर N से Z तक इधर, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 26 तक आप उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, तो जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सिर्फ ABCD आपके आगे लिखा रहेगा, तो आप तुरंत फिगर आउट कर पाओगे कि अच्छा ये क्या है, ठीक है, उसको सॉल्व करने का तरीका तुरंत जो जल्दी फिगर आउट हो जाएगा। उसी तरह रीजनिंग में बहुत बेसिक से प्रॉब्लम आता है कि मिसिंग टर्म क्या है, कि 3, 6, 9, 10, 20, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसको ना प्लीज अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मुंह से सॉल्व करने से अच्छा है कि आप लिख लीजिए कि 3 के बाद अगला अगला नंबर दे रखा है 17, तो 3 और 17 के बीच में गैप है 14, 17 के बाद अगला नंबर दे रखा है 27, 17 और 27 के बीच में है गैप 10, जब आप पेपर पे लिखोगे ना तो आपको पेयर बैठता वो दिखेगा, ठीक है, तो प्लीज इन सब थोड़े थोड़े रीजनिंग में इन सब ट्रिक्स को ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू महिमा, यस प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर्स, जो उन्होंने अभी लिखा था कि जैसे मान लीजिए ए है 1, 2, ठीक है, सी जैसे मान लो एक्स वाई जेड, तो सी का जस्ट अपोजिट क्या है, इस साइड में एक्स है, ए का क्या है जेड है, ठीक है, बी का क्या है वाई है, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब थोड़े हैक्स हैं, ये आप थोड़ा लिख कर रखेंगे अपने पास, ठीक है, तो उसको आप जो है प्रिपेयर करेंगे, यस थैंक यू मनीषा, ठीक है, एक्चुअली मेरे आगे बहुत सारे नाम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, थैंक यू मनीषा, तो ये कुछ तरीके हैं जो थोड़ा सा आप इम्प्रोवाइज करेंगे, दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रॉम माई साइड, अब आप लोग कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस पूछिए, फिर हम डिस्कशन पर आते हैं, और मैंने कोशिश किया जल्दी जल्दी थोड़ा सारा रैपअप करके समझाऊं, क्योंकि शायद मैंने स्टार्ट थोड़ा लेट किया था, यस एनीवन एनी क्वेश्चन प्लीज, सर जैसे जो मॉक टेस्ट है आपके वाले, उसमें मेरा 70 में क्वेश्चंस राइट तो कर लेती हूँ, बट मेरे ना नेगेटिव मार्किंग भी, क्योंकि मतलब मुझे क्वेश्चन लगता है कि मुझे आता है, तो मेरे अराउंड 20 मतलब 15 to 16 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं सर, उसको कैसे कंट्रोल करूँ मैं अपने की, मतलब कि वो एटलीस्ट गलत ना हो। हाँ देखिए ये मैं बोला ना, देखिए पता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये एक बहुत ही गंदा चेहरा होता है कि हमको बचना होता है कि हम निगेटिव वो ना करें, ठीक है, जैसे मान लो इससे कैसे बचे हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप 100% श्योर होते हो कि भाई ये मेरे को नहीं पता है, वहां पर गैस मत मारिए, यहां पर आप 100% श्योर हो, गैस कहां पर करना है, देखिए टीशा गैस कहां पर करना है, आप सिंपल सा एक फंडा नोट कर लो कि जो एकदम नहीं पता वहां गैस नहीं करना, जहां 50-50 है या आप कॉल ले सकते हो तो आप गैस करिए, और ये प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि जब मैं 80 क्वेश्चन करके आ रही थी और श्योर थी कि मैंने 80 सही किया है, तो 80 में 10 से 12 गलत हो जा रहे हैं, ये जब आप प्रैक्टिस करते हो मोहक, तो इस बात का आपको एहसास होता है, इसीलिए जिस दिन आंसर किया आएगा आपको, उस दिन आपको उन बच्चों से ज्यादा बेहतर आप कंडीशन में रहोगे जो इस बात को अभी से नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं अरे यार 80 करके आए थे सर, पता नहीं कैसे 12 गलत हो गया, भाई कुछ मेरे साथ अलग ही हो गया पेपर में, जब प्रैक्टिस करते हो तो पता चलता है कि अगर ऐसा मैं 80 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ तो 8 से 10 गलत हो जाते हैं, तो 80 में हो गया, जैसे मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके टोटल बनेंगे फिर 70, ठीक है, या प्रैक्टिस करते हो पता चलता है जहां आप श्योर हो वहां गलत हो जा रहा है, तो बाकी के जगह पर क्या होगा, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा समझना होगा, तो जैसे जीएस में मेरा मेजर गलतियां मतलब हो रही है, तो
उधर ही मतलब नेगेटिव मार्किंग का पार्ट तो जीएस में कैसा, क्योंकि बहुत कम टाइम है, 10 डेज हाँ है, ठीक है। अब जीएस में करंट अफेयर भी है और इतना कुछ है, वहां पे उसको कैसे कवर करूं मतलब ज्यादा अच्छा ठीक जल्दी। है, जीएस से मैं बात कर लेता हूँ अभी। एक सेकंड में जरा चैट बॉक्स देख लो सर। फॉर्म देयर शुड आई प्रैक्टिस फॉर जीके जीएस एनसीईआरटी मॉक टेस्ट सीरीज प्लीज। देखिए एनसीईआरटी तो आईपीयू के लिए एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी ने अगर आपको कहीं ऑनलाइन रिकमेंड किया तो भाई देखो यार एक चीज समझो, आजकल देखिए मैं टीचर के वो से बताऊं तो आजकल ये बड़ा थोड़ा सा प्रोफेशन से चल गया, कोई कुछ भी पूछे एनसीईआरटी पढ़ लो। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना है, जानकारी के लिए पढ़ो, ऐसे में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उसका आईपीयू के एग्जाम से संबंध नहीं है। आईपीयू के एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईपीयू के पेपर में ऐसा कुछ नहीं आता कि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो। और डेली वाइट्स पे एनसीईआरटी सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है, रिमझिम मैम है उसको सॉल्व करा रही है। प्रीवियस ईयर पेपर तो डाल दिया गया है यूट्यूब पर, जीजीएस आईपीयू वाला प्लेलिस्ट देखिए, 4 बार बोल चुका मैं, प्लेलिस्ट चेक करिए आप लोग, पहले चेक कर लो भाई। और उसके बाद जो करंट अफेयर है, देखिए डेली बैट से करंट अफेयर बहुत डिले चल रहा है मेरे को पता है, लेकिन अगर आना होगा तो 1-2 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा ठीक है। क्योंकि मैं एक एक करंट अफेयर बनाने के लिए मुझे 24 24 48 48 घंटे बैठने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको मैं बहुत स्क्वीज करके शॉर्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन बहुत ज्यादा दे रखा है, उतना करंट वरंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 1-2 दिन में कर दूं। थोड़ा इधर एमए वाले बच्चों का एग्जाम है तो मेरे को लेक्चर्स भी तैयार करने हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आप लोगों को करंट अफेयर को लेकर अपडेट आ जाएगा डेली बाइट्स पर। ठीक है हाँ, अब यहाँ पर हम आते हैं, चैट बॉक्स मैंने देख लिया। ओके अब आते हैं सभी क्वेश्चंस पर। एनीवन एल्स एनी क्वेश्चन प्लीज। सर रीजनिंग के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करें? अच्छा ठीक है, रीजनिंग को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नवधा आप भी कुछ कह रही थी, आई फॉरगॉट। हाँ तो थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से करनी है? थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सर उसमें काफी, मैंने एक बुक खरीदी है उसमें क्वेश्चंस है सर इसके, सर ये रही वो थी। देखिए किताबों में बहुत सारा दे रखा होगा थ्योरीज ऑफ, देखिए ऐसे तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर हर चीज पे जाओगे तो बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में 500 क्वेश्चन आप लगा लो तो उससे जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है। बहुत ज्यादा 75 टॉपिक मत उठाइए, समय रह गया है कम। और मार्केट में सभी चीजों की बुक आती है ठीक है, यूपीएससी की भी बुक आती है कि इसको उठा के सॉल्व कर लीजिए, लेकिन 5 5 साल तक लोग तैयारी करते रहते हैं ठीक है। इन बातों को आप लोग थोड़ा समझो। कुछ तो ऐसे पब्लिशिंग हाउस है उनके पास सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ठीक है। क्वेश्चन आते थे पियाजे पे, कोलबर्ग पे और मतलब मैस्लो पे, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैंने देखे इस मॉक टेस्ट में। मैंने आज सुबह ये मॉक टेस्ट किया, मैंने अभी आपको ऑन करने से पहले बताया था कि आपके मेरे मॉक टेस्ट में 346 का स्कोर बना है आउट ऑफ 600। मॉक टेस्ट में, तो इस बुक से मैंने सर एक मॉक टेस्ट किया, ये बुक मेरे पास है। अरे हमें लगा एंट्रेंस एग्जाम को पूछ रही हो, डीयू बीएड के लिए 50% क्राइटेरिया। अरे यार शिट। मॉक टेस्ट कर रही हूँ, मैंने इससे आज हाँ एक मॉक टेस्ट किया है, तो इसमें मेरा 346 बना है आउट ऑफ 600। नो आई तो डोंट हैव एनीथिंग टू कमेंट ऑन दैट प्लीज। ये आप खुद देखिए पहले तो, उसमें फिर मार्क्स भी कम बन रहे हैं ठीक है। आई डोंट हैव एनीथिंग प्लीज नवधा, वो पुराने पैटर्न पर आपने जो कुछ भी पूछ रही हैं ठीक है। और देखिए यार कोहलबर्ग पियाजे इन सब चीजों पर आप जाइएगा डेली बाइट्स पर, टीचर एजुकेशन वाला एक प्लेलिस्ट होगा, वो बीएड में एडमिशन होने के बाद उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 1-2 क्वेश्चन हम बीच में देख रहे हैं कि आईपीयू में पूछता है, लेकिन मैंने बच्चों को बोला वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पियाजे या कोहलबर्ग से पूछेगा। प्लीज इन बातों को इस मीटिंग में मत डिस्कस करिए, बाकी के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर किसी को भी इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो डेली बाइट्स पर एक प्लेलिस्ट होगा टीचर एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को आईपीयू के पेपर से पहले आप देख लेना। वहां मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, 10 लेक्चर होगा मैंने कवर किया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का थ्योरी वगैरह दे रखा है, लेकिन वो बीएड में एडमिशन होने के बाद पढ़ना होता है। उसमें से 2 4 क्वेश्चन कभी सरक के चले आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए बहुत ज्यादा इधर उधर माथा मारना जायज है पहला चीज। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 600 में इनके 356 या कितने बन रहे हैं, तो 50% मार्क्स भी बन रहा है, मार्क्स भी थोड़े यहाँ पे कम बन रहा है नवदा, तो थोड़ा प्रैक्टिस को लेकर आप वो करिए। और पेपर आप लोगों का जहां तक मैं समझ रहा हूँ 2.5 घंटे का, तो पेपर का फॉर्मेट जो लास्ट ईयर आया था वो वाला फॉलो होगा, आई थिंक 100 क्वेश्चंस वाला ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी 400 नंबर का पेपर, आप 600 वाला प्रैक्टिस कर रहे हो, तो थोड़ा ये बहुत बुनियादी जगह पर आप गलत कर रही हैं, थोड़ा उसको लेकर आप रेक्टिफाई करिए ठीक है। एनीवन एल्स एनी सर क्वेश्चन। एक डाउट है, हाँ यस सो काजल, आई हैव ठीक है करिए। टू सबसे टू पहले काजल, क्वेश्चंस दिव्या, देन छवि। हाँ काजल सर, बस मुझे ये पूछना है कि जो रिमेनिंग जो 4 मॉक्स हैं वो कब तक मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे? रिमेनिंग मॉक टेस्ट आपको एक तो आज ही आएगा ठीक है, और एक हो सकता है कल परसों मिले, बाकी के दोनों लास्ट वीक में ही मिलेगा जैसा कि शेड्यूल मेंशन्ड है डेली बाइट्स के पेड मेंबरशिप में, वो वैसे ही फॉलो होगा ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ यस वेलकम टू दिव्या,
छावी दन दिया। Yes sir. No, I. दिव्या दिव्या फर्स्ट Yes sir. दिव्या। So I have two questions. So सबसे पहले तो ये पूछना है कि हमें लास्ट के कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स करने चाहिए? हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मिनिमम 6 मंथ का आपको करना है मिनिमम, ठीक है, Yes और sir. मैक्सिमम ज्यादा पढ़ने का मन है तो 9 मंथ का। और सर उसमें फिर इंटरनेशनल न्यूज़ भी करनी है या फिर सिर्फ इंडियन स्टेट्स का ही कर नहीं नहीं सकते नहीं हैं? इंटरनेशनल न्यूज वगैरह कवर करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म वगैरह थोड़ा कवर कर लीजिए। ओलंपिक से क्वेश्चन मुझे लगता है कि मुश्किल आया है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। इंडिया में रिसेंटली कई मिनिस्टर्स को चेंज किया गया है सेंटर में, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, वो सारी चीजें देख लीजिएगा। सर और और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि तो ओलंपिक से कम आएंगे क्वेश्चंस? हम तो वही सोचकर बैठे हैं उससे ज्यादा आएंगे. देखिए अब अपना अपना तरीका है, एक दो क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अब ठीक है मेरे को ऐसा लगा तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है यस सर. और सर सेकंड क्वेश्चन ये कि अब लास्ट 10 डेज रह गए हैं, तो हम कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, या फिर कौन से कैसे कर सकते हैं 10 डेज अच्छा में? ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ शो करता हूँ, एक मिनट आप रुकिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं शो करता हूँ, थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं अपने लैपटॉप में ओपन कर लूँ, ठीक है, क्लास आप लोग भी देखिए जरा, वो चीज़ है। मैं एक्चुअली मॉक टेस्ट वगैरह ना मैं नहीं तैयार करता हूँ, लेकिन एक मॉक टेस्ट बीच में जो है, कुछ मॉक टेस्ट में थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड देना होता है बच्चों का, तो मैं तैयार करता हूँ, तो ये वाला मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आई विल शो सम क्वेश्चंस टू यू गाइस। हाँ ये शाम तक आप लोग अभी आ जाएगा, ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। आई नो ये सबके लिए मीटिंग है, ये मॉक टेस्ट तो पेड मेंबर्स को ही मिलता है, बट लेकिन ठीक है चलेगा। लेट अस सी दिस। जिस देखिए इस तरह के क्वेश्चंस मैंने डाला है इस बार वाले मॉक टेस्ट में, जैसे लिखा है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनसीटी डेजिग्नेशन वाज प्रोवाइडेड टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब ये पॉलिटी से भी है, ये सिंस आईपीयू यूनिवर्सिटी दिल्ली से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को डाल दिया है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, कोई पेड मेंबर नहीं है तो, ये सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। इस तरह के थोड़े मैंने क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश किए हैं इसमें, इसीलिए मैंने बोला, जैसे उन्होंने कहा कि सर आपको क्यों लगता है कि ओलंपिक से नहीं आ सकता, नहीं एक दो क्वेश्चन तो आ ही सकता है, लेकिन पहले ही इन क्वेश्चन से जगह भरा रहेगा, तो एक दो क्वेश्चन आ गया ओलंपिक तो ठीक है, अदरवाइज तो आप देख लीजिए कि दिल्ली बिकेम यूनियन टेरिटरी, उसी क्वेश्चन को देखिए मैंने कितने मल्टीपल टाइम में डिवाइड कर दिया है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन दिल्ली विधानसभा, उसी क्वेश्चन को, टोटल नंबर ऑफ सीट्स विद आप इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, हु इज द स्पीकर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली समथिंग सिमिलर टू, तो कहने के सेंस है कि इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आई थिंक एज फार एज थोड़ा सा मेरा अंडरस्टैंडिंग कह रहा है इसको लेकर कि एक दो क्वेश्चन शायद उसमें से डायरेक्ट भी फंस सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हु इज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ये सारी चीजें सेम मैंने डाल दिया, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए, कौन से आर्टिकल में ये मेंशनड है, सॉरी कौन से पार्ट में मेंशनड है आर्टिकल के, जहां पर आर्टिकल 239A की बात हो रही है दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली के, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सब, लेकिन ये सब क्वेश्चन हम मिस आउट कर देते हैं। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है ये क्वेश्चंस मैंने खुद से फ्रेम किए, हो सकता है गूगल गूगल पे भी कहीं मिल सकता है आपको, लेकिन ये मेरे माइंड में सारे आ रहे थे खुद से तो मैंने डाल दिया है, ठीक है। आईपी यूनिवर्सिटी वाज स्टेबलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट, द यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंडिया अंडर सेक्शन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कठिन करने के लिए मैंने लेवल ऊपर कर दिया, क्योंकि जो दिल्ली बाइट्स पर आईपीयू बीएड का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो शुरुआत में मैंने बताया था, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया उसको, ठीक है। जैसे आईपीयू नैक सर्टिफाइड है, वेल एक सेकंड, आईपीयू नैक सर्टिफाइड है तो नैक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मैंने पूछ दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कमीशन, दिल्ली हाँ तो नई मुंबई सॉरी बैंगलोर, नैक जो है बैंगलोर में है, दिल्ली बाइट्स के ऑफिस के बिहाइंड नहीं है, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर टीचर एजुकेशन, अब देखो यहाँ मैंने देखो क्या क्या चार ऑप्शन आते, लेकिन यहाँ मैंने पांच डाल दिया अपने मन से, क्योंकि मेरे को लग रहा था इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, नैक क्या है, एनसीटी क्या है, एनसीआरटी क्या है, एआईसीटी क्या है, यूजीसी क्या है, फिर मैंने यार अपना नाम लेके मेंशन कर दिया, सो दैट आपको ये ना लगे कि मॉक टेस्ट कोई और बनाया है, ताकि आप उसका फुल फॉर्म देखो क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एआईसीटी क्या है, ठीक है, ई पीजी पाठशाला स्वयं के क्या है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट में मैंने ये भी डाल दिया कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं दिल्ली में, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ नीचे आंसर लिखा हुआ है, उससे मुझे एक बात याद आ गई, अभी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
देखिए कुछ इतने, देखिए जिन लोगों के पास पैसा होता है वो भी बड़े महान आत्मा होते हैं। जिन लोगों को मॉक टेस्ट दिया गया तो उसमें कुछ लोग, सर टीचिंग एप्टीट्यूड का आंसर क्यों नहीं आया, ये शो करता है कि एग्जाम का दिन आ गया है, अभी तक तुमने टीचिंग एप्टीट्यूड खोला नहीं है। क्योंकि आखिरी के एक दो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर मैंने तैयार किया था, उसमें मैं आंसर की नीचे ही दे देता हूँ। तो हालत ये है तुमने खोल के देखा नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेन तुम्हारे पास तैयार है कि सर हमें तो आंसर की मिला ही नहीं। भाई सिर्फ मॉक टेस्ट 6 का आंसर की रह गया है और वो बस उस भेजने वगैरह बाकी है, पड़ा हुआ लैपटॉप पर। वो आपको सातवां वाला मॉक टेस्ट भेजा जाएगा, पिछला आंसर की साथ में आपको सेंड कर दिया जाएगा और वो सारी चीजें। कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आईपीयू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूं, मुझे टाइम मिलता है तो 2-4 दिन पहले मैं इस तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग ये देखिए ना, जनरल अवेयरनेस लिखता है आईपीयू के पेपर में, तो जनरल अवेयरनेस में ना थोड़ा करंट अफेयर ये लोग कम कवर करते हैं, कभी भी ये एक डिफरेंस होता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जो है उसमें थोड़ा ये लोग कम कवर करते हैं, और यही रीजन है कि इस चीज आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। यस अनिल, क्या पूछ रहे हैं आप? यस सर, अभी आप रिपीट कर सकते हैं? आप जनरल अवेयरनेस ज्यादा बोल रहे थे या जनरल नॉलेज ज्यादा बोल रहे थे, दोनों में से किसका वेटेज, मतलब क्या क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एक्चुअली होता अभी आप क्या ना, बता रहे थे? जनरल अवेयरनेस के पेपर में स्टैटिक का क्वेश्चन ज्यादा आता है। जब जनरल नॉलेज बोलता है ना कहीं पर, तो उसमें करंट का ज्यादा आता है। ये आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, आप आईपी का पेपर उठाइएगा तो करंट के क्वेश्चन हैं, लेकिन वो दबाव नहीं देते हैं बहुत ज्यादा पेपर पर, ठीक है। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जहां जनरल अवेयरनेस बोलता है वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। उसमें स्टैटिक का क्वेश्चन ज्यादा उठाता है, जैसे जो क्वेश्चंस मैंने डाल रखे थे वो स्टैटिक का है और उसी को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया। जैसे कि ट्विस्ट क्या कर दिया मैंने, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब कोई कहे कि सर ये जीके का क्वेश्चन है, नो, टीचर एजुकेशन में जाने वाले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इंडिया का पता होना चाहिए, दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, दिल्ली का कॉलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं 2-4 लोगों का नाम लेकर नाम कॉल आउट कर दूं और कह दूं कि इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है बता दो, नहीं बता पाएंगे आप लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं बता प्रकाश पाएंगे जावेदकर, प्रकाश कौन है टीचर। जावेदकर अच्छा ठीक है, कोई और ट्राई करना चाहेगा प्लीज, गूगल मत करना। सर पोखरियाल, सर पोखरियाल, अच्छा ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? सर इंडिया के या सर इंडिया का धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है वेरी गुड जो माई वो है मार्क, ना वेरी गुड। सर, मुझे भी पता था। नहीं डॉली, आप कुछ और बोल रही थी। नहीं सर, मैं कंफ्यूज थी आप इसलिए, पर नाम मुझे पता था। नहीं ऑप्शन में तो मैंने चारों डाल रखा है, ठीक है, कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। गुड महिमा, वेरी गुड। देखिए ये अब कोई कहे कि सर ये जीके का क्वेश्चन है, नो, ही इज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू शुड नो हु इज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। खास करके इस तरह के एग्जाम्स में जा रहे हैं तो पता होना चाहिए। अब उसी तरह दिल्ली में आप जा रहे हो, दिल्ली का पेपर देने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है। और क्यों? क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट ऑफ दिल्ली से स्टेबलाइज है, 1998 उस समय से स्टेबलाइज है, इसलिए वहां का भी पूछ सकता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें होती है, थोड़ा सा इसको समझ, यही सब ट्रिक्स एंड ट्विस्ट होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप करनी होती है बस। हाँ यस सर सभा, कुछ कौन कर मिनिस्टर, रिपीट कर दीजिए, मैंने सुना नहीं। आप चेक करिए गूगल पर। अच्छा हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन बता हाँ हाँ कि अगर आईपी से बीएड करते हैं, जो वो क्रास है, कालका इंस्टीट्यूट समथिंग कुछ नाम है, हाँ तो सर हाँ उसकी उसकी रेपुटेशन वगैरह कैसी है? देखिए कॉलेजेस को मैं इस लेवल पर फिगर आउट नहीं करता हूँ कि कौन सा कॉलेज अच्छा है या रेपुटेशन है। किसी कॉलेज से 10 बच्चे भी सेलेक्ट हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो लोग सो कॉल्ड अच्छे वाले पैरामीटर से, उस पैरामीटर पे मैं बैठा बैठा हूँ, तो वो 4-5 कॉलेजेस हैं। बाकी की आईपी के कॉलेज आप अपने लोकेशन के हिसाब से लीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप चाहेंगे ओके तो सर, मैं दिखा सकता हूँ, पीपीटी है मेरे पास कॉलेजेस का नाम, लेकिन मैं कहूंगा कि वो आप लोग जीजीएसआईपी वाला प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर बता रखा है कॉलेजेस का नाम। एक क्वेश्चन है मेरा, सपोज अगर हमारा नाम नहीं आता है तो सर हमें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, दिल्ली यानी डीयू और आईपी के अलावा? देखिए बहुत सारे फॉर्म्स मैंने बोला आप लोगों को भरने के, 5-6 तो अभी शुरुआत में मैं इंट्रो देते समय ये बोल दिया था कि जामिया है, आईपीयू है, डीयू है, बीएचयू है, आरआई, एनसीआरटी है। देखिए मैं सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस गिना रहा हूँ आपको, बाकी तो कुरुक्षेत्रा से आपको कॉल आएगा ही और हाँ था ये एमटीयू से आपको होगा कॉल आएगा ही, तो जो जहां से जी जी कॉल आ रहा है वहां आपका कॉल है, जाना है कि नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ यहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो सर आईपी और आईपी से बीएड करना, डीयू से बीएड करना, दोनों में फर्क है क्या? नहीं फर्क कुछ नहीं है, मैंने शुरुआत में बताया ना, इट इज लाइक हैविंग अ डिनर,
ठीक है, आईपी के जो टॉप कॉलेजेस हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पहुंचते हैं, इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस होते हैं। आईपी के जो एसईआरटी है, सूरजमल है, गर्ल्स के लिए है, लीलावती है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं ये, बहुत अच्छे, मतलब दे आर वेरी क्लासी कॉलेजेस, बहुत अच्छा उनका भी वो है हिसाब किताब। ठीक है, बस थोड़ा आईपी का फी महंगा है, और जैसे आप कह रहे हो कि डीयू, और इसमें क्या है भाई, तो डीयू में फीस है ना 5,000 रुपये साल भर का। ठीक जी है, सर, जी सर, मेरी एक कजन कर रही है कालका इंस्टीट्यूट से, उसका इस बार कंप्लीट हो जाएगा। अब हाँ उसने एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लिया था, उसका नाम नहीं आ पाया था, तो सर इसमें फर्क होता है क्या अगर उससे हम एडमिशन लेते हैं तो? देखिए, मैनेजमेंट कोटा कुछ नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेजों के लिए 15% सीट दे दिया गया है कि अपने हिसाब से वो करिए। देखिए, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा राजनीति वाली बात उसमें समझा देता हूँ। जब प्राइवेट कॉलेजेस खुलते हैं तो उनको अपना एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए कहीं से चाहिए होता है, तो वो खुल के नहीं कह जी सकते हैं कि लाओ पैसा दो एडमिशन ले, तो 15% कोटा ही अच्छा रिजर्व कर दिया जाता है मैनेजमेंट के नाम पर। तो मैनेजमेंट मतलब क्या कि कॉलेज मैनेजमेंट देखेगा, तो कॉलेज मैनेजमेंट क्या देखेगा, जो पैसा दिया तो एडमिशन ले लेंगे, या कोई मान लो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करके, मान लो 100 सीट है, अप्लाई करने वाले 200 लोग हैं, तो मैनेजमेंट कोटे में जी घुस भी चलेगा, नहीं अप्लाई करने वाले हैं तो फोन करके बोलेंगे भाई मैनेजमेंट कोटे में सीट खाली है, ले लीजिए ताकि फीस ही मिल जाए। ठीक है, अच्छा हाँ, तो मैनेजमेंट कोटा का फॉर्मूला ही वही है, लेकिन एक होता है ना, एक फॉर्मल नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा तो ऐसा नहीं है ना कि उनकी मार्कशीट उनको अलग मिलेगी, उनकी क्लासेस अलग नहीं नहीं होती अरे होंगी, कुछ ऐसा? नहीं, बस एडमिशन हो गया, उसके बाद एकदम वैसा ही हो जैसे और लोग हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, वो बस एक अलग अलग सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पढ़ाई और समझने समझाने में कोई डिफरेंस नहीं होता ओके, है। थैंक यू सो मच। हाँ आईपीयू में गीता रतन है, एंड ये जो आप गुरु गोबिंद सिंह वगैरह बता रहे हैं कॉलेजेस, हाँ तो गीता रतन का लेवल उनसे मतलब हाई में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अगर मुझे सपोज लीलावती वगैरह मिल जाता है तो शुड देखिए आई चूज गीता रतन और नॉट? देखिए, सबसे पहली चीज तो आप लोग कॉलेजेस को लेवल और रैंक से डिवाइड करना बंद करो। आप चार पांच, देखिए चार पांच जो सो कॉल्ड अच्छे में कहा जाता है उनको किनारे कर दीजिए। अब आप उसके नीचे आप ये मत बैठ के फिगर आउट करो, ठीक है, कि सर ये वाला ज्यादा अच्छा है कि वो वाला कम अच्छा है, नहीं, इस तरह से डिवाइड मत करिए चीजों को। ठीक है, अपने लिए मत करिए उस तरह से डिवाइड, इससे आप ही कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, आपको अलग से टेंशन होने लगेगी। नहीं, ठीक है, ऊपर के 3-4 कॉलेजेस हैं, वहां होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप बाकी के कॉलेजेस में भी एडमिशन लीजिए। अगर आपका मतलब लीजिए एकदम कुछ नहीं बचता है, आप फी अफोर्ड कर सकते हैं, तो बाकी के कॉलेजेस में भी एडमिशन लीजिए। थोड़ा सा मैं अभी मेहनत करने पर दबाव इसलिए देता हूँ क्योंकि देखिए, मैं अच्छे खासे बच्चों को जानता हूँ। येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय बैचमेट, उसका बिहार बिहार में कोचिंग चलता है, तो कुछ बात हुआ तो मैं बता रहा था कि यार डेली बाइट्स का वेबसाइट आने वाला है, एंड वो इतना कॉस्टली वेंचर है, रोज मेरे को घंटे घंटे पर बैठ के मीटिंग करना पड़ रहा है, और वो लोग क्या क्या क्लाउड का पूरा लैंग्वेज मेरे को समझा रहे हैं, घंटे भर बैठ के मेरे को कई बार समझ भी नहीं आता कि मेरे को मीटिंग में बैठना पड़ता है। मैं ऐसे बात कर रहा था उससे, तो वो हंसते हंसते मेरे को बोलता है यार यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कह रहा भाई मेरे को तो ये पता चला यहाँ कि लोग 5-5 साल से बीएड करके बैठे हैं, सीटेट नहीं निकाल पा रहे। ये सब प्रॉब्लम दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ नहीं होगा, आईपी वालों के साथ भी नहीं होगा, लिटरली बता रहे हैं। ठीक है, जो आईपी अगर हम ठीक ठाक थोड़ा सा मेहनत करके गए, ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं फेस करना पड़ेगा। आप सीटेट के एग्जाम में मैं आज बैठा दूं ना, आज टुडे, ठीक है, जिसका थोड़ा भी प्रिपरेशन है, ठीक है, वो क्लियर कर लेगा। ठीक है, और मैं भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते करते कई लोगों का मैं नाम जानने लगा हूँ, ठीक है, तो वो उनमें मैं खुद बता सकता हूँ कि अच्छा ये बच्चा करेगा तो कर लेगा। तो सीटेट मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीटेट होता क्या है, जैसे आप बीएड में एडमिशन लोगे, सीटेट आपको साल भर के अंदर ही देना है, कोई सीटेट आपसे बहुत दूर नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए आप अलग परेशान होगे कि भाई वो कैसे करें, तो कहने के सेंस से यहाँ परेशान हो रहा है, वहां परेशान हो रहा है, वहां परेशान हो रहा है, तो एक बार ढंग से थोड़ा कर लोगे तो हर जगह के लिए आप प्रिपेयर हो पाएंगे। यस सर, शिवानी, मैं आई हाँ, एस्क्यू समथिंग यस शिवानी, सर, जैसे कि मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं, बट ड्यू के ले रखे हैं सर, सर उसमें जैसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन आईपी में भी आते हैं? नहीं आते तो नहीं है, लेकिन आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है। तो मैं करंट अफेयर तैयार कर रहा था, अभी मैं 1 ही 2 महीने का बनाया हूँ, उसके मार्केट्स डाल लग गया। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आपने बताया अभी आईपी के आपने मतलब करंट अफेयर बताए कि 6 मंथ या 9 मंथ के पढ़ सकते हैं, और अगर ड्यू में पढ़े तो कितने मंथ्स के पढ़ने सेम चाहिए? सेम 6 to 9 months, अच्छा 6 to 9 months, 6 month मिनिमम होना चाहिए कवर, और लास्ट 9 month जो है कवर कर सकते हैं तो करिए प्रायोरिटी। अच्छा, करंट ना कभी भी उल्टा डायरेक्शन में पड़ जाएगा, मतलब उल्टा डायरेक्शन पड़ने का मतलब कि ये अगस्त चल रहा है ना, तो अगस्त जी चले, ठीक है, जुलाई जून ऐसे करके पड़ जाएगा।
ओके सर, एक चीज और, आपकी आप आईपी का आपने क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर डाल रखा था साइट पर, मैंने चेक किया उसको, मैंने मैंने सॉल्व किया था सर, उसमें ना इंग्लिश का पैराग्राफ्स है, हिंदी के पैराग्राफ्स नहीं है और हिंदी के क्वेश्चंस भी नहीं है, तो आईपी में हिंदी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं? नहीं, पेपर का लैंग्वेज आप हिंदी में कर सकते हो, क्वेश्चन हिंदी में नहीं आता है और पेपर का लैंग्वेज हिंदी में कर सकते हो, इसका मतलब ही नहीं वो इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही है। मतलब जैसे कि सर, जैसे जैसे हिंदी एक सब्जेक्ट है, जैसे कि नहीं, हिंदी के आईपी अंदर में नहीं है, अलंकार आईपी में नहीं वगैरह ये आता। समास, ये आईपी में ये सब नहीं आते हैं? हाँ पिछले साल तो नहीं आया था, देखिए मैं कोई नहीं होता हूँ, पिछले साल का पेपर आप देख लीजिए, इसमें नहीं आया तो नहीं आता। और सर जैसे कि आईपी के लिए जो उसने गूगल के ऊपर डिटेल्स डाल रखी है सब सिलेबस की, अगर वो ही सिलेबस कंप्लीट कर ले उसके हिसाब से, तो उसमें हिंदी नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है करना, या जरूरी है? नहीं हिंदी नहीं आएगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हो आप? अच्छा, तो हिंदी के पैराग्राफ वगैरह ये सब कुछ नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा या ना। फिर क्योंकि सर ड्यू का मैंने सॉल्व किया है, तो ड्यू में अरे आपसे जो मर्ज मत मैंने ले रखे उसमें करिए, भी ठीक है, अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट, अलग अलग होटल है, सब जगह खाना मिलता है, अपने अपने नॉर्म से अपना अपना रखिए। अच्छा, अब थैंक इसके यू आप ये सर। मत कहिए कि अरे ड्यू वाले पंप को 10 रुपए में पराठा देते हैं, यहाँ तो ब्रेड लिख पराठे को 100 रुपए में दे रहा है ब्रेड में डाल के, तो उसका अपना अलग है हमारा अलग, ठीक है। और सर अगर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि अगर आईपी का एग्जाम, जैसे मैंने आईपी का भी भरा है, ड्यू का भी भरा हुआ है, अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाए, दोनों में सिलेक्शन हो जाए तो पूछ रही थी मैं कि अगर बच्चे का एडमिशन दोनों में हो जाता है, आईपी और ड्यू में, तो हाँ फिर टाइमिंग आपने बताइए कि जैसे कि रिजल्ट जो एडमिशंस होते हैं आईपी के पहले हो हाँ जाते हैं, फिर तो फिर बच्चा उस चीज को कैसे सॉल्व करेगा अगर दोनों में उसका एडमिशन हो जाता है, तो ड्यू में भी ये हो जाता बच्चे है की प्रॉब्लम है। सिलेक्शन तो सर उसका हाँ कोई नहीं, सोल्यूशन तो उसका होगा ही ना? बेहतर सॉल्यूशन ये है कि आपके मार्क्स इस हिसाब से आए, आप डीयू में इस हिसाब से चीजों को स्कोर अप कर लो कि जो है आपको पता हो कि मेरे वहां इतने बन रहे हैं, मेरा हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि ऐसा होता है कि ड्यू में उसके मार्क्स कम बन रहे हैं लेकिन आईपी में उसके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो बच्चे को आईपी में एडमिशन ले लेना चाहिए, अरे ड्यू को छोड़ होगा ही देना नहीं ना चाहिए? डीयू में, शिवानी आप जाके डीयू बीएड वाला प्लेलिस्ट चेक करिए, ले लेना क्या चाहिए डीयू में, हो या तो होगा या तो नहीं होगा, बीच में कुछ नहीं है। नहीं सर, आप, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ आप समझ नहीं अच्छा पा अच्छा रहे हैं हाँ हाँ मेरा कहिए कहिए, क्वेश्चन। हाँ हाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर किसी बच्चे का दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, आईपी में भी सिलेक्शन हो जाता है, ड्यू में भी, बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि वो दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकता है, लेकिन आपने भी बताया है कि जैसे कि मंथ का डिफरेंट होता है कि इस मंथ में आप एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा, तो फिर बच्चे के पास ऑप्शन है टू टू कि वो किसी दोनों में से किसी में भी ले सकता है, तो उस कंडीशन में कि बच्चा क्या करे, या तो वो ये करे कि जिसमें दोनों में से सबसे ज्यादा मार्क्स जिसमें है, आईपी में ज्यादा मार्क्स है तो आईपी में एडमिशन ले ले, और अगर ड्यू में ज्यादा है तो ड्यू में ले ले, मैं ये पूछना चाहती अच्छा हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड शिवानी, कोई इनका क्वेश्चन समझाएगा मुझे? मैं हाँ बताऊँ कि मतलब एक सेकंड, यस टीशा आप जाता है समझाइए क्या एंड पूछ रही आईपी हैं। में भी हाँ चीज आस्किंग कि अगर आप भाई इसका इनका ड्यू में भी एडमिशन हो गया ना आईपी में, हाँ तो इन्हें कौन सा चूज करना चाहिए, तो शी इज जजिंग ऑन मार्क्स कि भाई मैंने अगर आईपी में अच्छा स्कोर किया तो मुझे आईपी ले लेना चाहिए, एंड डीयू में स्कोर अच्छा गया तो डीयू में, तो पर्सन शुड चूज डीयू ओनली, अगर यस, डीयू इसमें मिल रहा पूछना है क्या तो है? इसमें कुछ पूछ। बट सर उसमें मार्क्स का भी तो है ना कि अगर मार्क्स ज्यादा नहीं आया तो फिर आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो, ये पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि नहीं मान कॉलेज लो। के बाद एंट्रेंस के डीयू का मार्क्स होएगा वैल्यू ही नहीं ना, रखते, अच्छा नहीं एंट्रेंस का मार्क्स मतलब के उससे क्या एप्लीकेशन करना हो गया है? तो हाँ एंट्रेंस का मार्क्स का कुछ होगा ही नहीं। देखिए अच्छा, शिवानी, तो मुझे दो दो बातें मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। पहली चीज तो कहीं भी आप मीटिंग में बैठा करिए पब्लिक प्लेस में, तो पहला चीज आप ये नहीं बोलेंगी कि आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है आप पीछे समझा लीजिए, लैंग्वेज इज नॉट गुड। हाँ ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, हमेशा कही कि नहीं नहीं मैं ये कह रहा था, ठीक है, आप कभी भी फॉल्ट को अपने लाइन पर लाइए, ठीक है। हाँ और आपका क्वेश्चन मैं समझ गया था, मैं और लोगों से पूछना चाहता था कि क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछ दिया है आपने, सबको पता है कि हमें डीयू में जाना है क्योंकि वो 5,000 और कम पैसे में दे रहा है, वो कर रहा है, तो उस मार्क्स का नहीं सर, एंट्रेंस मुझे ये चीज भी बता दे कि हाँ हाँ यस सरगम, यस सरगम, हाँ प्लीज ऐड। सर एट द एंड अगर हम आईपी में जा रहे हैं, ड्यू में जा रहे हैं, एडमिशन कहीं पे भी हो रहा है, जो हमने ड्यू मतलब बीएड में हमने जो पढ़ना है, एट द एंड सिलेबस तो वही है ना, किसी भी मतलब उसमें ज्वाइन करें हम यस तो यस यस सिलेबस वही है। सर उसमें मेरा तो कुछ मैटर क्वेश्चन नहीं करता ना कि उसमें मार्क्स ज्यादा है उसमें मार्क्स ज्यादा है, तो एट द एंड पढ़ना तो हमें दोनों जगह वही सेम चीज ही है, और अगर किसी का भी फर्स्ट प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली सबकी डीयू ही रहेगी, हाँ देन क्योंकि उसके बाद आईपी आती है, और अगर बिल्कुल दोनों जगह हो जाता है एंड अगर आपको दो चीजें सर और फैक्टर्स हम देख सकते हैं, जैसे हमारे घर के पास कौन सा पढ़ रहा है और एग्जैक्टली हमारे पास इतनी
मतलब इतना हमारे पास है मनी भी कि हम आईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब वो तो बहुत हमारी पर्सनल वो रीजनिंग हो जाएंगी उसमें कि हमने क्या चूज करना है अब, वो चीजें नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सर हाँ, सर देखिए यहाँ पर चीजें मैं ऐड करूंगा। सर देखिए एक एक सेकंड मानसी में आ रहा हूँ। जैसे यहाँ दो चीजें हैं, क्या होता है कि भाई बात ये नहीं है, बेस्ट वाली बात नहीं है। देखिए एक तो हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ एससीईआरटी में भी सेलेक्ट हो जाऊँ तो भी मेरे को 70,000 रुपये फीस देने हैं और डीयू में 5,000 रुपये फीस देने हैं। तो ये भाई ये इसमें कुछ क्या पूछना कि कहाँ जाएं, ये तो सिंपल है कहाँ जाना है। ठीक है, सिंपल है कहाँ जाना है, पहला चीज। और एंट्रेंस के मार्क्स का एक बार एडमिशन हो गया उसका उसके उसके बाद कोई मतलब नहीं है। अब जैसे जैसे शिवानी को मैंने लैंग्वेज वाली बात पर पॉइंट आउट नहीं कहूंगा मैं, जैसे बहुत से बच्चे आते हैं वो कहते हैं यू हैव नॉट सेंट मी दिस 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 एंड आई हैव पेड फॉर दिस। अगर कोई मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देता है मैं इसे हो जाता हूँ। देखिए इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि सर आई हैव नॉट रिसीव्ड एंसर की ऑफ सर स्टेटिस्टिक्स, सर मुझे मिला नहीं है, और दूसरा चीज तुमने भेजा नहीं है। दोनों में बहुत अंतर। अगर आप आप ये वो वाली बात बोल रहे हो जैसे हमारी मम्मा हमको सिखाती कि बोलने का तरीका बदलो, हाँ वो नहीं, ये किसी वाली प्लेटफॉर्म पे बात अगर आपको है। टीचर हो सारी चीजें बनना है तो आपको बहुत वो डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इवन इफ यू आर पेइंग, देखिए अगर हम पेमेंट भी करते हैं तो द सर्विस इज डिलीवर्ड टू अस। रेस्टोरेंट में वेटर आपको कुछ सर्व करता है तो थैंक गिविंग अ कर्टसी कॉल थैंक यू इज फाइन। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे पैसा दिया तभी तो खाना दे रहा है। ठीक है, दैट इज फाइन, बट वी आर ह्यूमन बींग्स, कर्टसी कॉल हमें देना होता है। हाँ, यस यस, आई विल कम टू मानसी। यस मानसी, मानसी यू वर सेइंग सर मेरा क्वेश्चन था, यस सर मैं कह रही थी कि अगर जैसे हमारा आईपी में हो जाए और फिर हमारे डीयू में भी नाम आ जाए तो सर अगर हमने वहाँ पे फीस ऑलरेडी पे कर दी आईपी में तो वो रिफंड हो जाती है अगर हमारा हाँ, डीयू या फिर और किसी ये क्वेश्चन बहुत यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है। नाम नहीं, आ पूरा जाता पैसा रिफंड नहीं होता, सिर्फ कुछ हिस्सा वापस होगा। यही तो मैं कह रहा था कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ठीक से नहीं पढ़ोगे तो। यही तो मैं कह रहा था शुरुआत में कि ये तो प्रॉब्लम। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू जो है और डीयू है तो सर ये दोनों ही गवर्नमेंट है तो सर ये भी रिफंड नहीं करेंगे अगर होगा, जैसे अगर हमारे डीयू में आ गया और हमें बीएचयू में जाना है और बीएचयू में भी हो गया और हमने डीयू की फी पे कर दी है तो वो भी रिफंड नहीं करेंगे हमें, मतलब जैसे कुछ पार्ट रिफंड होगा उसमें भी। नहीं देखिए ऐसा है, पहला चीज तो एक बात आप समझ लो, डीयू का काउंसलिंग जो है पेपर है सितंबर अक्टूबर अक्टूबर एंड में जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जाएगा सब कुछ सही चलता रहा तो। डीयू का तो बात रिफंड की नहीं है, 5,000 रुपये फीस है, और डीयू का जो आप एडमिशन हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आप श्योर हो जाओगे तो आपके पास पेमेंट का पोर्टल आता है आपके लॉगिन में, आप वहां से पेमेंट करते हो, कॉलेज पर जाना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। तो उनका टोटली एक अलग सिस्टम है, उतना समय मिलेगा, उतना आगे लेकर परेशान मत होइए अभी से, वो जब समय आएगा तो खुद ही आपको अच्छा ओके सर थैंक यू उसको सर। लेकर अभी और परेशान मत होना। सर मैं यस यार महिमा, फर्स्ट विल कम टू महिमा, देन मानसी वाज आस्किंग समथिंग। हाँ सर एनईपी 3 बार आई थी तो सर कौन सा वाला पढ़ना है, 2020 वाला? न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो पढ़ना नहीं है, उसको क्यों पढ़ने के पीछे आप भाग रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरे से नहीं पूछो। मतलब एक ऐसा बेसिक की क्या क्या उसमें अच्छा देखिए इम्पोर्टेंट है, किस देखिए चीज पे न्यू फोकस किया है एजुकेशन उन्होंने। सॉरी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एक आप कोठारी कमीशन पूछ रहे होगे, एक तो कोठारी सर कमीशन। मेरे को बस मेन अभी उसमें ये पूछना है कि जैसे 3 बार आई है, एक बार शायद से 1985 में आई थी, एक 86 अभी से आई थी, एक बार अभी 20 में आई है, 86 86 हाँ ठीक है, तो एक अभी 20 में आई थी, 19 में भी आई थी, वो 20 में आई थी, तो सर कौन सी वाली एक बार गो थ्रू करूँ? देखिए दो बातें आप ध्यान रखेंगे, एक सेकंड जस्ट। हाँ मैं यस आई वाज सेइंग कि एज फार एज 1980s से जस्ट, हाँ सबसे पहले आप कोठारी कमीशन का एक वीडियो लेक्चर होगा, गिनती के 18 मिनट का लेक्चर है, बहुत जबरदस्त समझा रखा है मैंने। डेली वाइड्स पे टीचर एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट होगा, चाहे तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं, बहुत सॉलिड तरीके से मैंने समझा रखा है कोठारी कमीशन। जब आप लोग बीएड में आओगे आप जाना यूट्यूब पे सर्च कर लें, जितने लोगों ने कोठारी कमीशन समझाया है यू विल फाइंड माई लेक्चर वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, टॉप कोचिंग वाले भी पढ़ा रहे हैं उस तरह से नहीं समझाए हैं। यस सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, कुछ बोल। सर मेरे को ये पूछना सर, मैं तो अभी तो मैं डीयू बीएड में ही लगी हूँ सर, अगर उसका तैयारी कर रही हूँ तो उसके लिए आईपीयू के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा सर, क्योंकि डीयू में तो थोड़ा सा टफ आता है अकॉर्डिंग नहीं टू आईपीयू के आईपीयू। लिए अलग से, अरे हर बात को सर देखिए आप आईपीयू के पेपर में ऐसा सर पूछ आप क्या रहा म्यूट है। हो सॉरी सर
सॉरी सॉरी, आईपीयू के पेपर में ऐसा अलग से आता क्या है? ठीक है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप प्रिपेयर मतलब करिए, मुझे लगता है कि जैसे यहाँ से भी बहुत आईपीयू सफिशियंट के टाइम लिए है चीजों ना करने के लिए। हाँ सर टीचिंग हल्का सा, हाँ मतलब हमको ऊपर ऊपर की जैसे जनरल अवेयरनेस है और क्या नाम जनरल नॉलेज है, तो ये हमको थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं जाना है। बट जो जो उसमें आता है डीयू में जो जीएस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डीप से पूछा है। और सर रही बात साइंस की, तो मैं साइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मतलब सोच रही हूँ, अभी काफी टाइम है, अगर मैं पूरे अगस्त महीने में ही अगर पूरा एनसीईआरटी साइंस का कवर कर लेती हूँ, थोड़ा नोट्स बना के अच्छे से, पर ये रहेगा ना हाँ सितंबर में सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस, सर इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही थी। नहीं देखिए, पहले तो आप यस लोग दोनों यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को मर्ज मत करिए, पहले तो ये मत किया करिए, ठीक है? वो अलग है, सर, वो अलग है, ठीक है? कोर्स सेम ही करा रहे हैं, वो मुद्दा अलग है, लेकिन दोनों सर एग्जाम्स के पर अपने अलग क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स का हैं। लेवल तो हाई और हो जाता ही है ना, थोड़ा सा नहीं, अलग हो पेपर का जाता फॉर्मेट ही टोटल डिफरेंट है, ठीक है? पेपर का जो स्ट्रक्चर है वही एकदम अलग है, ठीक है? दोनों का, है। दोनों के यस पेपर स्ट्रक्चर को ही कंपेयर मत करिए आप, ठीक है? हेलो एंड सर, थैंक कैन यू प्लीज यू चेल, महिमा, आई थिंक यू ब्रॉट माई अटेंशन टुवर्ड्स दिस पेपर स्ट्रक्चर को लेकर। यस सर, हाँ थैंक यू महिमा, वेरी गुड, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो आप, इससे ही पता चल रहा है। हाँ, नहीं, गुड गुड, हाँ यस सर, प्लीज साधु। टेल हाँ व्हेन द एडमिट कार्ड्स विल बी रिलीज्ड। एडमिट कार्ड आपको 2-3 दिन में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है? वैसे एक ओके हफ्ते पहले आता है। यस सर, प्राची, आपने एक्चुअली कुछ कहना था? मैंने हाँ आईपीयू का लास्ट डे को फॉर्म फिलअप किया था, बिकॉज तो मैंने सेंटर प्रेफरेंस दिल्ली डाला था एंड आफ्टर दैट लखनऊ, तो इज इट चांस कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा, बिकॉज आई हैव टू मींस टिकट्स अरेंजमेंट के इश्यूज हो हाँ जाएंगे हाँ सर। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा, परेशान मत हो आप, पहला दिल्ली जा रहा है ओके ना? ओके या हाँ दिल्ली में तो मिलेगा ही। ओके सर, थैंक यू एक्सक्यूज मी सर, यस परलीन, देन विल कम टू डॉली, देन प्राची। हाँ सर मैंने पूछना था कि जैसे हमें वो वाले क्वेश्चंस पढ़ने की नीड है, जैसे फर्स्ट इन इंडिया मतलब मेल फीमेल जनरल नॉलेज में। देखिए, पढ़ सकते हैं एक एक बार, बस बस रीड लगा लो, वो सब क्वेश्चन पूछता नहीं है वैसे, ठीक है? लुसेंट वगैरह पीछे दिया ओके रहता है, वो द फर्स्ट इन इंडिया, ये वो फर्स्ट एथलेट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट लेडी जज, या फिर ये सारी चीजें पूछा रहता है, ठीक है? उसकी आवश्यकता नहीं है। यस डॉली, सर, मुझे पूछना था जैसे सोशल साइंस और साइंस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इस एग्जाम के लिए, जैसे आईपीयू डीयू के में हम लिए? लोग अरे करते हैं। हाँ जी सर, आईपी का जैसे पेपर प्रीवियस ईयर देखिए, में तो आईपी में नहीं इस तरह आया का डिवीजन था, नहीं है, साइंस सोशल साइंस। तो सर रीजनिंग और इंग्लिश और हाँ बस टीचिंग रीजनिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश, काफी आईपी है। में तो साइंस सोशल साइंस कुछ पूछ ही नहीं रहा है। सर रीजनिंग से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सर मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी नहीं अच्छी नहीं। देखिए, थोड़ा सा रिलेटेड आता है, लेकिन रीजनिंग इज ऑल द वे डिफरेंट एंड मैथमेटिक्स इज ऑल द वे डिफरेंट। सर बस यही कि ड्यू में जिस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी बहुत रेशियो वाले और मैथ्स से रिलेटेड मेंटल एबिलिटी के आते हैं, तो सर वैसे क्वेश्चन तो आईपीयू में नहीं है, नॉर्मल रीजनिंग है। हाँ, बार बार आप लोग कंपेयर मत करिए, ठीक है? सर मैं आई हैव 2-3 क्वेश्चंस। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो आईपी में जो एग्जाम होगा, मैंने जब मतलब बैचलर्स के टाइम मैंने दिया था एंट्रेंस, तो उसमें ओएमआर शीट फिलअप का था, सो आई वांट टू आस्क कि इस बार उन्होंने ऑनलाइन वोट कर दिया है या अभी भी ओएमआर बेस्ड ही है? ऑनलाइन एग्जाम है, ओएमआर का कोई लफड़ा ही नहीं है। अब वो ऑनलाइन हो चुका है आईपीयू में भी? हाँ, कोई दिक्कत ओके नहीं। ओके हाँ एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज मे बी आई मिस्ड योर पॉइंट, आपने बताया था, तो आपने मुझे ये जानना है कि जब आईपीयू के एडमिशन हो रहे होंगे क्या, तब तक तुम्हारा डीयू का भी एग्जाम हो चुका होगा? लाइक यही सो मैंने कहा उससे मेरे को एंड ये जानना है कि हाँ, जो डीयू का जो आंसर्स की होती है जो एग्जाम के बाद बिफोर रिजल्ट आ समझ गया जाती मैं। है, वो आ जाएगी एंट्रेंस के मतलब जब एडमिशन हो रहे होंगे आईपीयू में, तब तक आ चुकी होगी वो, हाँ एग्जैक्टली, मैं यही उससे कह रहा था आइडिया शुरुआत। लगाने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा था शुरुआत में कि इधर आईपीयू में काउंसलिंग शुरू होगा तो उधर डीयू में आंसर की आ जाएगा। वही वही मैं आंसर की उसी के बाद कंफर्मेशन हाँ के तो लिए पूछा है आंसर कि की भी वही मान उसी लीजिए की किसी बात के कर 200 रहे से ऊपर बन रहे हैं तो श्योर रहो कि सिलेक्शन हो जाएगा फिर। हो, वही उसी से हमें आइडिया लग पाएगा कि हमें फिर कितना हाँ हमारा हो हाँ पाएगा लाइक हो उसी टाइम। पाएगा कि नहीं हो ओके पाएगा, ये सारी चीजें ओके हैं। एंड आपको मैं दूसरा ये बोलना चाहती हूँ कि आपने से कहा था ना 5,000 रुपीज है लाइक उसकी डीयू में फीस, सो एसपीएम में जो है मैंने देखा था उसमें अराउंड सेवेंटीन हाँ थाउजेंड सेवेंटीन फर्स्ट ईयर के थाउजेंड लिए, है। हाँ सो और वो मेरे को ठीक है, मैं करिए आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए कि बच्चे आपकी बात मान के कर लें और फिर बाद में आपको ना बोलें, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि फीस हाँ अलग अलग है कॉलेजेस की। हाँ नहीं, ये जो डीयू का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें मैंने बता रखा है ये बात, चारों कॉलेज का फीस मैंने बता रखा है। आईपी सीआई का फीस है 5,335 रुपये, 5,310 रुपये, महर्षि वाल्मीकि का है 8,410 रुपये,
एसपीएम का 17,000 कुछ रुपए, और इसका लेडी इरविन का है 33,000 रुपए, होम साइंस वालों का। ठीक है, ये मेरे को पता है फीस वगैरह क्या है, वो मैंने बता रखा है। सीआई में सबसे ज्यादा सीट है और एमवीसी में सबसे ज्यादा सीट है ना, तो मैं उसको स्टैंडर्ड पैरामीटर मान रहा हूँ। होम साइंस में तो 100 सीटें एकदम सेपरेट है। ठीक नहीं, है, मैं आपको इसलिए बोला कि आप हाँ करेक्ट कर दो ना, ताकि अपने बात की बच्चे आपकी बात मान ले और फिर बाद में वो आप ही को कुछ ना बोले, इसलिए आपको तो नहीं पता नहीं है थैंक आपको यू थैंक बोलने यू। वाले बहुत हैं फिर वो। हाँ नहीं, थैंक्स अलॉट। हाँ नहीं, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा था कि मैं रिटर्न ग्राउंड्स पर सही रखता हूँ, मैं बोल दूंगा प्लेलिस्ट में दिखा रखा है, जाओ देख लो। ठीक है, हाँ वो मेंशन है। अच्छा देखिए, क्लास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज काफ़ी ज़्यादा मीटिंग से मेरे डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि कई चीज़ों को लेकर इधर मल्टीपल मीटिंग्स होने के कारण मेरा बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो मैं चीज़ों को लेकर थोड़ा प्रिपेयर नहीं था। इसी में 20th वाला भी वेबिनार, मैं जो डेली बाइट्स पे जो गर्ल्स के लिए वेबिनार होता है 22nd ऑफ मंथ को, ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि वो 20th ऑफ इस मंथ को होगा, 20 तारीख को होगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो जिनको ज्वाइन करना वो आप कर सकते हो, 20th अगस्त को होगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो आईपीओ मीटिंग के शेड्यूल है लिए सारा का सारा सर कंप्लीट होगा। ठीक है, सब मैं कंप्लीट कराऊंगा जिससे भी। सर ये रितिका, पहले आप मार्केट में शॉपिंग कर लीजिए, फिर आप पर मैं आता हूँ, तब तक माइक म्यूट करिए। हाँ ये यस सर वो मानसी, पूछ रही है, हाँ, ये यस रत्तिका किरण, ये क्या पूछ बताए। रही हाँ है। हाँ रत्तिका पूछ रही है कि जो स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम होता है बीएड का, वो इतना डीपली आता है क्या, ये नहीं पूछ नहीं रही टोटल डिफरेंट है वो, आप लोग ड्यू बी 2018 वाला प्लेलिस्ट देखिए, मैंने बता रखा है, दोनों का पेपर स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, नो एक सेकंड मानसी, आप क्या कह रही रत्तिका हैं? चैट बॉक्स में लिख लो, रत्तिका चैट बॉक्स में लिख दो क्वेश्चन मानसी आप क्या कह सर। रही हैं? यस सर, जामिया का एग्जाम है 21st को, तो सर उसके लिए भी कुछ बता दीजिए, क्या 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 कर जामिया सकते में हैं थोड़ा हम। करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा ठीक से। अच्छा सर, ओके ठीक है, सर। हाँ सर रीजनिंग यही सब है ना सर, बाकी वो सब तो नहीं आने जामिया का जिसका पेपर नहीं है क्या आपके पास प्रीवियस है ईयर? तो। हाँ जी सर, जामिया का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है क्या आपके पास? सर नहीं नो जामिया सर, का तो मेरे नहीं है। पास नो भी नहीं है सर, सर, मेरे पास भी नहीं है अच्छा, जो लोग डेली बाइट पर सर, पेड प्लीज मेंबर प्रोवाइड। हैं, ठीक है, मैं इसको अभी नोट कर ले रहा हूँ, अभी का अभी मैं अपने हैंडलर को मैसेज कर रहा हूँ, अभी का अभी। ठीक है, जामिया का पेपर आप लोगों को, जिनको जिनको एग्जाम है उनको आज मिल जाएगा रात तक। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हाँ आप हैंडलर थैंक को यू बोलिएगा सर। आज का, आज मैं उसको वो करवाता हूँ। ठीक है, देखिए महिमा, ठीक है, आपको मैंने प्राइमरी चैट में ऐड कर रखा है अपने इंस्टाग्राम में, प्लीज आप मेरे को अपडेट करके आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं मिस आउट करता हूँ खुद से, लेकिन कभी कभी वो होता है बहुत ज्यादा, जैसे आज मैं बहुत टायर्ड था, तो इसीलिए मैं लैपटॉप वगैरह मैंने तैयार नहीं कर रखा था काम के लिए टोटली एकदम, तो थोड़ा थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाती है। सर क्या एनीवेज कह रहे हो, कह रहा था महिमा, आप ये आप जामिया का फॉर्म भरा है आपने? सर भरा तो है मैंने, लेकिन मैं दूंगी नहीं सर एग्जाम। अच्छा ठीक है, रात में मेरे को इंस्टाग्राम पे ठीक मैसेज करके रिमाइंड करिएगा कि जामिया का पेपर सेंड करना है। ठीक है, है सर। सर ये तो ठीक है, आप बस टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने जैसे थ्योरी पढ़ी थी तो मुझे कुछ डाउट्स थे, तो ठीक है, मैं उस पे आप आता हूँ। किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज दिस विल बी ऑल फॉर दिस मीटिंग, एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कंटिन्यूअस डिसरप्शन, आई नो सबके टाइम वैल्यूएबल है। सर, सर आपने मतलब सर जो मैंने सम अप ना कर दी, चार हाँ यस सरगम, यस हाँ, सर कैन यू प्लीज सम अप जो भी आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज बोली, ताकि एक बार क्लियरली हो अच्छा अच्छा जाए। ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ यस डॉली, आप क्या कुछ कह रही थी? सर, मैंने अपने टारगेट बनाया कि 70-75 क्वेश्चंस कर कर आने हैं, तो इतना मतलब काफी है। देखिए आईपीयू में तो निगेटिव 1/4 है, तो थोड़ा और ज्यादा करिए, आईपीयू में 85-85 तक ले आइए। करने का मतलब ये होता है कि सही होना चाहिए अपने हिसाब से। ठीक है, हाँ, जी सर, करने का मतलब ये नहीं हवा में अंधा तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, तो सही तरीके से करिए। बाकी का मैं ये कहना चाहूंगा, प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा फोकस लेवल बढ़ाइए आप लोग अपना। इंग्लिश वगैरह एक्सपेक्टेड है कि लैंग्वेज पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तब आप कर पाओगे। रीजनिंग में थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाइए। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का वही है, 15 25 25 25 क्वेश्चन भी डिवाइड कर ले तो भी बात वहीं पहुंचेगी घूम फिर के सब का सब। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन ऐसे भी जनरल अवेयरनेस का आ ही रहता है, 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन आ रहा था, तो 25 आ जाएगा, तो वो लोग लेवल में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं लाएंगे। ठीक है, लेवल में वो लोग बहुत ज्यादा बदलाव नहीं लाएंगे, तो इन दो चार बातों को थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए।
और लास्ट मोमेंट पर रीजनिंग वगैरह स्कोरिंग बहुत होता है, इसलिए मैं उसको प्रायोरिटी इसलिए देता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जीएस जीए प्रिपेयर नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना होता है और गारंटी नहीं होता है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जनरल अवेयरनेस वगैरह का ऐसा होता है कि आप जो है सॉल्व करते हो सॉरी हाँ रीजनिंग रीजनिंग ऐसा होता है कि आप सॉल्व करते हो तो आपका उस पर पकड़ बनते रहता है और सॉल्व हो जाता है, तो मतलब आई थिंक इजिली फिर हम वहाँ से क्वेश्चंस जो है कर पाते हैं। तो जनरल अवेयर रीजनिंग को लेकर आप जो है इस बात को थोड़ा सा देख सकते हैं कि रीजनिंग पर आप पकड़ बनाएंगे तो आपका एग्जाम में जो है ज़्यादा अच्छा पकड़ बनेगा। सर मैंने चैट बॉक्स में लिखा है कि क्या पूछना है। क्या पूछ रहे हैं? आई एम ऑडिबल। अच्छा प्रॉब्लम है, सॉरी। हाँ सर ठीक है, दिस विल बी ऑल फॉर दिस मीटिंग। किसी को और कुछ पूछना है? बाकी के जिसको पूछना है वो रुक जाए। थैंक यू सर। ओके, दिस विल बी ऑल फॉर दिस मीटिंग। 20th को आप लोगों का जो गर्ल्स है उनके लिए अलग से जो वेबिनार होता है वो अपनी जगह पर होगा और उस पर हम बात करेंगे। जिनको कुछ भी कुछ पर्सनल डाउट और क्वेरीज है, जैसे महिमा कह रही थी टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग बात करना है, तो उस पर हम थोड़ा सर सा अभी सर मुझे डिस्कस। पूछना है बस, एक एक हाँ मिनट हाँ में हो हाँ जाएगा ठीक है, अगले तो जो भी जिन दिन लोगों का सर। डाउट और क्वेरीज हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें, अदरवाइज रेस्ट ऑल ऑफ यू यू हैव योर लिवरेज एंड सर परमिशन टू लीव द मीटिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ टीम डेली बाइट्स आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। आप डेली बाइट्स के पेड मेंबर हैं तो किसी कभी भी डाउट क्वेरीज काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं मेरे पास। थोड़ा एग्जाम है, शेड्यूल बहुत ज़्यादा मेरा बिजी चल रहा है तो 24 24 घंटे का भी डिले हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं सॉर्ट आउट करूँ। इंस्टाग्राम पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, अच्छा करिए, सेलेक्ट होइए। मेरा नाम नहीं लीजिएगा तो डेली बाइट्स का ही नाम ले लीजिएगा, ठीक है? और चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट जो मेरा एजेंडा है कि हम जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई करें, इजिली आप लोग को अवेलेबल कराएं, वो सारी चीज़ें फैसिलिटेट हों और आप लोग एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट करें। थैंक यू धृति, थैंक यू मानसी, जिनको वेट करना वो कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सर प्लीज आई विल टेक अ रीजनिंग का 30 बता सेकेंड्स ब्रेक दो। एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। सर आई हैव टू टीच। हाँ हाँ यस, थैंक यू वंदना। जी सर क्या कह रहा हूँ बाकी के स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ ध्यान रखो, महिमा टाइप की लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं। सर, अब ऐसे मत बोलो सर, कोई इतनी भी खास प्रेपरेशन नहीं है सर, ऐसे मत बोलो। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि बच्चे के, मैं कह रहा हूँ खतरनाक लग रहे, जागरूक लोग हैं। सर वो बस टीचिंग एप्टीट्यूड स्कोरिंग है ना, तो इसलिए थोड़ा हाँ जो नहीं तुम स्कोर महिमा, कर सकते देखिए हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को झाड़ पर नहीं चढ़ाता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो या फिर ये वो। जागरूक होना एक अलग चीज है, जागरूकता का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई संबंध नहीं। आप जागरूक हैं ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई संबंध नहीं। कोई भी बच्चा कभी भी अच्छा कर सकता है और कभी भी बहुत अच्छा बच्चा कभी भी अचानक से खराब कर सकता है, राइट सर, ये बिल्कुल सही ठीक है? बात है हाँ, तो जागरूकता आपकी अच्छी चीज है बहुत। सर। आप बस कब बता दोगे, बता दो, मुझे जल्दी बता दो। महिमा आप रात में टेक्स्ट कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे मेरे को, ठीक है? 10 बजे के बाद मैं चेक करता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको एंटरटेन कर लूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके ठीक है, हाँ हाँ थैंक यू सर। हाँ यस हीना, हाँ सर आईपी के यूजुअली नोटिसेस ऐसे पोर्टल पे अपडेट नहीं होते हैं, तो ये एडमिट कार्ड एंड ऑल के लिए कहाँ देखे हैं? एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप पर और मेरे इंस्टाग्राम पर। पेड मेंबर नहीं है तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है? वहां आपको मिल जाएगा देखने को। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। यस, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? सर हाँ सर एक बार मानसी। स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी प्लीज बता दीजिए। जीएस हम स्पेसिफिकली कहाँ से करें, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है। देखिए जीएस बहुत वास्ट है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका ये, बीच में जैसे जो मैंने मॉक टेस्ट दिखाया था बीच में, ठीक है? तो बीच में जो मैंने जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए हैं दिल्ली के एनसीटी वगैरह से, वो सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। देखिए दो तीन बातें आप लोग नोट कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1991 के तहत दिल्ली को जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली की घोषणा कर दी है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जैसे स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो यूनियन टेरिटरीज में ऐसा नहीं होता है। यूनियन टेरिटरी क्या होता है? देखिए नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन अगर दिल्ली वालों को दिक्कत है तो केजरीवाल के पास जाते हैं, यूपी वालों को दिक्कत है तो योगी के पास जाते हैं,
सवाल है कि तो मोदी के पास कौन जाता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य सरकारों के से काम में उनका हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसी तरह दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 के तहत दिया गया, जो कि लागू हुआ 1992 में। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली वाइट्स की मेंबरशिप आती है, सेशन की शुरुआत में हम घोषणा कर देते हैं भाई कि ये होगा, मॉक टेस्ट मिलता है समय के साथ, वो धीरे धीरे लागू होता है। एग्जैक्टली वैसा ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 घोषणा कर दिया गया कि ये होगा, समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते रहती हैं चीजें कंपाइल होती रहती हैं, तो 1992 में उसको लागू किया गया। तो वहां से दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर उसके बाद जब दिल्ली यूनियन टेरिटरी बना और यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना, तो फिर स्टेट्स क्या करते हैं, नए नए बहुत सारे प्रोविजंस लाते हैं। तो उसी के तहत 1998 में ये आईपी यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज हुआ। और आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है वो उसको दिल्ली गवर्नमेंट फंड करती है, इसीलिए वो 1995 में स्टेबलाइज हुआ था, क्योंकि दिल्ली स्टेट बन गया उसके बाद वो स्टेबलाइज हुआ। क्योंकि जब स्टेट बन गया तो नया नया भाई, जब नया घर बनेगा तो नए नए नौकर चाकर हर चीज, नए नए नियम कायदे आएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही वो दिल्ली को स्टेट बना के देंगे, नया चीफ मिनिस्टर, नया लेफ्टिनेंट गवर्नर, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स सब नए असाइन कर दिए गए, एमसीडी अलग, एमसीडी पहले से थी, उन सारी चीजों को क्लब करके एक पूरा अलग स्ट्रक्चर तैयार किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर है, पहले एक चीफ मिनिस्टर होता था, अब दो दो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है? कुछ उस तरह का प्रोविजन लागू कर दिया गया। फिर उस वो कौन से अमेंडमेंट से है, 69th अमेंडमेंट एक्ट से है, ठीक है? ये सारी चीजें, बेसिक चीजें, ये सब थोड़ा स्टैटिक में ज्यादा फोकस करिए, ना कि इंस्टेंट की हवा में कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं। हाँ, किसी और को कुछ क्वेश्चन? रीजनिंग का बता दो प्लीज, कहाँ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज। हाँ, एक्चुअली आई एम सो हेल्थ स्लीपी कि मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ते हूँ। देखिए सबसे पहले तो रीजनिंग आप कहाँ से पढ़ रहे हो नूतन, आप मेरे को ये बताओ। सर अरिहंत की एक बुक है बीएड प्रिपरेशन के लिए, उससे। अरिहंत कौन लेता है यार, बच्चे अरिहंत अरिहंत नहीं लेते हैं सर, तो कहाँ से करना चाहिए? देखिए मेरे टेबल पर है नहीं। देखिए मार्केट में ना कुछ चीजें स्टैंडर्ड बुक आती हैं, उसको खरीद के रख लीजिए। जैसे रीजनिंग की बुक आती है आर एस अग्रवाल की, आने वाले समय में भी आपको बहुत एग्जाम देना जहां रीजनिंग का जरूरत पड़ता है, वो स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। जीके की बहुत सारी बुक आती है, मैं लूसेंट की रिकमेंड करता हूँ। लूसेंट एक स्टैंडर्ड बुक है मेरे पास, नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, लूसेंट एक स्टैंडर्ड बुक है। अब आपने कहा हमने अरिहंत ले रखा है, अच्छा ठीक है, तो अब कल को दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना होगा तो फिर जाएंगे दूसरी अरिहंत लेने। अरे एक रीजनिंग की बुक ले लीजिए, ठीक है, जहाँ सब कुछ दिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, आर एस अग्रवाल आती है, वो ले लीजिए, ठीक है। अब मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो जो रीजनिंग का बुक यूज करता हूँ, मेरे टेबल पर अभी फिलहाल है नहीं, मेरे कबर्ड में है नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखाता, ठीक है? तो आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लो, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहिए कभी भी, ठीक है? टाइम के हिसाब से वो उसको चेंज मत करिए, आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए प्लीज। तो आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लेंगे तो मैं टॉपिक बता दूंगा, तो उन बुक्स से उन टॉपिक्स को पढ़िए। सर आप कोई रिकमेंड कर दो, रीजनिंग की आर एस अग्रवाल आती है मोटी सी, एक बार खरीद लीजिए। वो जो 9th-10th क्लास के लिए होती है, वो 9th-10th क्लास वाइज डिवाइडेड नहीं है वो। लेकिन वो जो बोले होती है, किसी क्लास की नहीं होती, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होता है। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो रीजनिंग की बुक आती है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होती है, उसको आप ले लोगे तो उसको पूरा बुक नहीं पढ़ना होता, उसमें किसी गिनती के 10 चैप्टर, जिस भी एग्जाम में आप जा रहे हो अलग अलग तरह का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा रीजनिंग का, वहां से उठा के पढ़ लिया उस टॉपिक को। सर ये भी तो है ना, जिसे जिसे रीजनिंग नहीं समझ में आ रही है तो वो ना यूट्यूब से कहीं से पढ़ ले, फिर ना प्रैक्टिस आर एस अग्रवाल से। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। देखो देखो रीजनिंग उस दिन पढ़ने के लिए ना प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा उसका मदद नहीं मिलेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ बुक कौन सी है, ठीक है सर? एक बार प्लीज बता दो आईपी में क्या क्या है। हाँ देखो, हाँ लेट मी नाउ, प्लीज लेट मी कवर, ठीक। सबसे पहला चीज, टॉपिक्स को अगर आपको फिगर आउट करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए,
जीजीएसआईपी वाले प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, वहां से आपको सीधा फिगर आउट हो जाएगा क्या क्या करना है। पहले तो सीरीज का क्वेश्चन करना है, ठीक है, फिर ऑड वन आउट का क्वेश्चन करना है, ठीक है, फिर उसके बाद जो पेयर मैचिंग वाला था, जैसे मान लो फूड का हंगर है तो स्लीप का क्या होगा, ठीक है, कुछ इस तरह है, इस तरह के ऑड कॉम्बिनेशन लेटर कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस वो सारे करने हैं आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद लॉजिकल एनालिटिक्स के क्वेश्चन आपको करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करना है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कंप्यूटर को कुछ कहते हैं तो मेडिसिन को क्या कहते हैं, ठीक है, बैट को 383 कहते हैं तो AR को क्या कहते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन इस तरह के करने हैं आपको। और अल्फाबेट्स वाले भी आते हाँ हैं, हाँ पेयर एंड रिलेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, वो पेयर एंड रिलेशन वही हो गया, यस हाँ पेयर एंड रिलेशन वाले करने हैं, KIJM को QOPS कर कहते हैं तो MKLO को क्या कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्शंस, हाँ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन एक दो आते हैं इसमें शायद, नहीं आईपीयू में तो नहीं आते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन, सर वैसे ज्यादा टफ नहीं पूछता ना आईपीयू एक तो क्योंकि जो बच्चा अलग सर अलग काउंटिंग कर रहा है वो फिगर्स। अपना ज्ञान दे रहा है इसमें, आईपीयू का आईपीयू तक ही रहने दो, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है मैथ में, एक दो क्वेश्चन आया था, मिसिंग नंबर इन सीरीज कर लीजिए, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, सर काउंटिंग फिगर्स भी आएगा, ठीक है, ऑड वन आउट प्रैक्टिस होना चाहिए, हाँ ऑड वन आउट। देखिए रीजनिंग को अगर आपको टॉपिक के हिसाब से सेग्रीगेट करना है तो प्लीज आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर रेफर करिए, ठीक है, किसी के कहने पर मत जाओ, आप देखो कि वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, अगर आपसे वो नहीं हो रहा है तो दिल्ली वाइट्स के जो 10 मॉक टेस्ट है ना वो रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए बहुत है, ठीक है, अगर एक टॉपिक पर भी 10 मॉक टेस्ट में एक एक क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन कवर हो रहा है, ठीक है, वो मोर देन सफिशियंट है जिस, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो अगर मेरे को करना होता तो उतना बहुत होता। सर हाँ यस सोनिया, मैंने डीयू वाली मेंबरशिप ली हुई है आपसे, हाँ तो इसके मॉक टेस्ट हैं आईपीयू वाले वो अवेलेबल होंगे या फिर नहीं, मतलब आप कह रहे थे कि वो पुराने मॉक टेस्ट देख लो, पुराने क्वेश्चन पेपर देख लो, तो वो कहाँ से अवेलेबल होंगे, मैं कहाँ से ले सकती हूँ? आईपी के प्लेलिस्ट आप चेक करिए ना, जीजीएसआईपी और दिल्ली वाइड्स, तो जीजीएसआईपी करके प्लेलिस्ट होगा गुरु गोविंद सिंह इंडपस यूनिवर्सिटी, हाँ जी ठीक है, आप उसको चेक करिए। सर आप इंस्टाग्राम पे वो डाल देंगे पोस्ट जब आप क्लेरिफाई कर देंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25 25 है, क्लेरिफाई कर दिया मैंने, क्योंकि अगर मैंने अपने मॉक टेस्ट में 25 बनाया अभी लेटेस्ट वाले में तो 25 ही होगा, तभी मैंने 25 बनाया, क्योंकि बिना प्रॉस्पेक्टस पढ़े मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सर आईपीयू का स्पेशल एजुकेशन के बारे में बता दो एंट्रेंस के। यस सर, डीयू के स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी। आईपी की मीटिंग के लिए आज के लिए इतना बहुत था, डीयू का जो कुछ भी है उसको हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है, ओके सर, ओके सर। आईपीयू का, डीयू का नहीं, आईपीयू के बारे में। आईपीयू में क्या पूछना है, आईपीयू का जो स्पेशल एजुकेशन इतना महंगा है यार, रेगुलर से भी ज्यादा महंगा है। हेलो, हाँ भारती पूछिए, आप भी पूछिए। सर आईपीयू में मोस्टली स्टूडेंट के एडमिशन हो जाते हैं ना? हाँ हाँ हो जाते हैं। चलिए ठीक है क्लास, दिस विल बी ऑल फॉर दिस मीटिंग एंड माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोशिश करूंगा कि आज की मीटिंग थोड़ा बड़ा डिसरप्टिव हो गई थी, थोड़ा मेरे साइड से कई प्रॉब्लम्स हो गए, अदरवाइज यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट आई हैव ट्राइड टू एड्रेस सम ऑफ द क्वेरीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आई थिंक अब आप लोग एग्जाम होंगे, उसके बाद भी हम लोग की बातचीत या मुलाकात होगी। माई बेस्ट विशेस टू यू, बहुत सारी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, एग्जाम्स क्लियर करिए, अच्छे से अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होइए, कल आइए, आपको मैं सीटेट की आप लोगों को प्रिपरेशन कराता हूँ, बहुत इजी तरीके से करा दूंगा, इजीली सब क्वालिफाई कर लोगे आप, ठीक है। थैंक यू सो, थैंक यू, थैंक यू मानसी, सो यू आल्सो टेक रेस्ट। हाँ एक्चुअली आई एम हेल्थ टायर्ड, मैं बस मुझे लगता है कि मीटिंग खत्म करना सो लूं। थैंक यू सुनील, यस सर, यस सर, आज ना आपको देख के लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड था। हाँ नहीं एक्चुअली ये मीटिंग, देखिए मैं मीटिंग से शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, देखिए 16 को 17 किया गया, 20 वाला 22 वाला 20 को किया गया, अब मेरे को 2-3 लेक्चर्स बनाने हैं पढ़ाने के लिए, थैंक यू मानसी, और उसके बाद जो है वो सारा शेड्यूल है, और जैसे मान लीजिए देखिए मैं आज ये मीटिंग हो रहा है, वो जो शेयर एंड केयर वाला वेबिनार होता है वो कोई भी करने के लिए बाउंड थोड़ी ना हूँ, लेकिन करना ही है, सब चल रहा है काम उसी में, ठीक
ठीक है, तो एक्चुअली मेरा एक नया ऑफिस का रूम तैयार हो रहा है, तो वो लोग पीछे इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, इसलिए बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पर बाहर सामने, तो वो सारे इश्यूज़ है। चलिए ठीक है फिर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू खुशबू, सिमरन, थैंक यू जाह्नवी, सो मच सर, बेस्ट विशेज जाह्नवी एंड थैंक प्रवीण, यू सो मच सर, प्रवीण टंडन, सिबी, सरगम, द्वीप, सोनिया एंड मनीषा, पीहू एंड सरगम, देन वी हैव सोनिया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू पीहू, बेस्ट विशेज।